Hello, my dear students. Welcome to the classroom. Kaise hain aap sab log? Badhiya ho. So in this class, what we are going to talk about is choice of business organizations. अभी होता क्या है? Choice of business organizations. इसका मतलब ये नहीं है कि business कौन सा करना है. इसका मतलब ये है कि business को form कौन सी देनी है. ऐसे देखने में बारी-बारी लग रहा है बहुत कुछ. चल, relax. अच्छा, आज की क्लास में तुम लोगों को कहा था कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो क्लासरूम को ऐसा लगेगा कि यार तुमने कभी देखा ही नहीं है. आज की क्लास उस ऐसी चीज के नाम जो तुम्हारी जिंदगी का पहला प्यार है, जिसके बिना तुम लोग रह नहीं सकते. क्या बात कर रहे हो सर, हम नहीं रह सकते. हाँ, दैट इज योर मोबाइल फोन. अगर एक मतलब एक बार तुम्हारी मम्मी या पापा के आगे तुम्हारा मोबाइल फोन लग जाए तो कैसा डर लगता है ना, एकदम यार पता नहीं क्या होने वाला है. अपना मोबाइल फोन तुम किसी को देते भी नहीं हो, 24 घंटे अपने पास रखते हो. तो ये प्यार नहीं तो क्या है अगले. चलो आगे चलते हैं, ज्यादा बकवासबाजी नहीं अच्छी होती. अब आज की क्लास उस मोबाइल फोन के नाम. सो लेट्स चीयर्स. आप चीयर्स करते हैं मोबाइल फोन पे? हाँ यार, चीयर्स करूंगा. नहीं करना चीयर्स, चल करूंगा. अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. बेटा, अब बहुत बार ऐसा होता है जब आप लोग आगे गए मोबाइल फोन लेने के लिए, राइट. मोबाइल फोन ऐसा तो नहीं है जिस दिन आप पैदा हुए आपके साथ ही दुनिया में आ गया है ना. तो जब आप मोबाइल फोन लेने के लिए गए तो वहां पे जाके बहुत सारी बातें हुई. जब आप दुकान पे जैसे ही आपने अप्रोच किया, उसने आपको आपने बताया कि भैया मोबाइल फोन चाहिए. उसने कहा अच्छा ठीक है. उसने आपसे आपकी रिक्वायरमेंट पूछी कि भैया कितने तक का चाहिए या क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए जो आपको चाहिए. आपने कहा, फिर उसने आपने उसको जाकर कुछ स्पेसिफिकेशंस बताई कि भैया इतनी रैम हो, इतना इंटरनल, इतनी रोम, आई मीन इतना स्पेस होना चाहिए, इतना जीबी, थोड़ा सा ऑफिशियल पर्पस के लिए चाहिए होगा और बस रेंज इतनी चल जाएगी, 30-40, बस इससे ज्यादा नहीं, लाख रुपए का नहीं लेना, ठीक है. अब देखो, थोड़ा सा अब आगे सोच करता हूँ बेटा. अब आपने अपनी रिक्वायरमेंट उसको बताई और दुकानदार ने ऐसे लाइन लगा के फोन आपके सामने रख दिया. ऐसे ही ठीक इसी बात के ऊपर ये चैप्टर पूरा का पूरा चलेगा और खत्म हो जाएगा. अब सिंपल सी बात, बेचारा एक रिक्शे वाला आता है या एक रिक्शे वाला आता है या कोई और इंसान आता है जो एक लोअर इनकम लेवल से बिलोंग कर रहा है, तो क्या दुकानदार उसको आईफोन कहेगा कि आईफोन ले ले? वो कह रहा है हमको खाली गांव में फोन करना है और सुनना है. और दुकानदार क्या बोलेगा उसको? क्या बोलेगा कि भैया तू आईफोन ले ले, लाख रुपया खर्च कर दे, इसी से फोन करियो. उसको नोकिया का वो वाला फोन देगा जिससे फ्लोर टूट जाता था और आपका फोन अगर नीचे गिर जाए ना बेटा, फोन ही टूट जाता है, फ्लोर से महंगा ही पड़ता है. अच्छा चलो, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं. मोबाइल फोन तो आजकल ऐसा है, आजकल बेटा मोबाइल फोन फ्री नहीं है. ऐसा नहीं लग रहा कि आजकल मोबाइल फोन फ्री है, ऐसा लग रहा है बंदे फ्री है. चलो आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं थोड़ी सी. सो दिस इज ऑल अबाउट. सर आप कहाँ गए? मैं छुप गया हूँ. अब तुम लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट लग रहा था इसलिए मैंने खुद को छुपा लिया, नजर लग जाएगी तुम लोगों की. अच्छा अच्छा, इतनी बातें करते हो. देखो, चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट इज चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओवर हियर? दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट टॉपिक. ये है आज का हमारा पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं. सो चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, एक इंसान है बेटा, एक इंसान है, इस इंसान को एक बिजनेस स्टार्ट करना है. बिजनेस स्टार्ट करना है क्या करना चाहता है सर? ये बेटा ये चाय बेचेगा. सर चाय बेचेगा क्यों? क्योंकि इसको भी लगता है कि एक दिन ये प्रधानमंत्री बन जाएगा. पर अगर हर चाय वाला इतना काबिल हो ना तो देश कहां का कहां पहुंच जाए. अब ये बिजनेस इसको स्टार्ट करना है. अगर बिजनेस इसको स्टार्ट करना है तो इसको क्या पता कैसे बिजनेस स्टार्ट होगा. तो ये क्या करता है, जैसे दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक प्रोफेशनल के पास जाता है. और प्रोफेशनल कौन है? प्रोफेशनल वो है जो मेरे सामने इस वक्त बैठा है या बैठी है. ये इसके पास आएगा और पूछेगा कि भैया हमको एक बिजनेस शुरू करना है, बताओ कैसे स्टार्ट करें. तो आप लोग क्या कहोगे, ये कैसे कहोगे, क्या कहोगे, ये सब पता चलेगा आज की क्लास में. देखो बेटा, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ध्यान से देखना. देखो, आप गए एक मोबाइल फोन की दुकान पे, बताया था मैंने आपको, आप वहां पे गए, ये रहे आप. चलो ये रहे आप, समहाउ दे आर द कस्टमर्स. ये कस्टमर्स है और ये इधर खड़ा हुआ इंसान. इस इंसान की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये इंसान वो प्राणी है जो मोबाइल फोन बेच रहा है. बस ठीक इसी की जगह आप में से वो प्रोफेशनल आने वाला है थोड़ी देर के अंदर और इस इंसान की जगह वो आपका क्लाइंट आ जाएगा. दिस कैन बी, दिस चैप्टर इज बेनिफिशियल फॉर यू गाइस इन बोथ ऑफ द सिनेरियोस. चाहे आप प्रैक्टिस में जाएं, चाहे आप कहीं भी हो,
आई मीन आप चाहे आप प्रैक्टिस में जाओगे चाहे आप एम्प्लॉयमेंट में जाओगे, दोनों ही जगह पे काम आए। आप थोड़ा सा और आगे चलता हूँ बेटा, आप मोबाइल फोन लेने के लिए गए, आपने बताया भैया मोबाइल फोन चाहिए ऐसा ऐसा चाहिए, दुकानदार ने आपके सामने दुनिया जहान के मोबाइल फोन रख दिए, आप बताओ कौन सा चाहिए। उसने दुनिया जहान के ऑप्शन आपके सामने रख दिए कि भैया अब आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा मोबाइल फोन आपको परचेज करना है। अब परचेज करने के लिए कुछ चीजें हैं जिसको दिमाग में रखना है, राइट, कुछ चीजें हैं जो कुछ आपके रिक्वायरमेंट्स और कुछ हर एक मोबाइल के बारे में उसने आपको स्पेसिफाई किया कि चलो लेट अस टेक दिस मोबाइल फोन, बेटा इसको ले लेते हैं। इस मोबाइल फोन को लेकर उसने स्पेसिफाई किया कि इतना कैमरा है, थोड़ा सा विजिबल नहीं है कोई बात नहीं, इतनी रैम है, इतना स्पेस मिलेगा, ये होगा, इतनी बैटरी है, ऐसा है वैसा है, दुनिया जान की चीजें उसने बताई, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, आप उन चीजों को फाइनलाइज कर लेंगे। सो यही है दोस्तों आज का हमारा चैप्टर, आज की क्लास मोबाइल फोन के नाम। हाँ, इस क्लास का यही नाम मिलेगा तुम लोगों को, आज की क्लास मोबाइल फोन के नाम। सो देखो अब उस इंसान ने क्या किया, आपको मोबाइल फोन बताया, मोबाइल फोन के अंदर उसने क्या करा बताया, मोबाइल फोन की दुनिया जहां के फीचर्स बताए, और उसने उसके बाद अब एक इंसान है जिसको क्या करना है, बेचारा एक इंसान है बिजनेस क्लास। हाँ चलो टाटा, रतन टाटा, चलो मुकेश अंबानी मोबाइल फोन लेने के लिए आया, क्यों क्या, तो क्या दुकानदार उनको ये बोलेगा कि सर आप नोकिया 1200 ले लो? अगर ऐसा दुकानदार सजेस्ट कर रहा है तो क्या बोलोगे कि दुकानदार को तो अक्कल ही नहीं है भाई, दुकानदार को तो कुछ पता ही नहीं है ना। अब देखो ये है मोबाइल फोन, इस मोबाइल फोन के अंदर दुनिया जहान की स्पेसिफिकेशन है कि टेलीफोन आवा है, टेलीफोन जावा है, एसएमएस आवा है, एसएमएस जावा है, यूएसएसडी मुझे नहीं पता क्या होता है, इंटरनेट, ईमेल, सो दीज आर द स्पेसिफिकेशंस, राइट, कैमरा, वॉलेट, अलार्म क्लॉक, कैलेंडर, MP3 प्लेयर, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीजें उसके अंदर है, ये सारी क्या है स्पेसिफिकेशन जो उसने बताई। अब ठीक इसी तरीके से तुम लोग भी एक दिन पास हो जाओगे, जिस दिन तुम लोग पास हो जाओगे तो ये है दो कैरेक्टर्स, संता बंता चल के आएंगे तुम्हारे पास। संता बंता आए, संता बंता ने कहा कि हमारे को एक बिजनेस शुरू करना है। कहता बिजनेस शुरू करना है? हाँ, बिजनेस स्टार्ट करना है संता बंता को। किस चीज का बिजनेस शुरू करना है? संता बंता को बिजनेस शुरू करना है कि वो बनाएंगे मुगली घुट्टी 555, ये बनानी है इनको। सर ये क्या है मुगली गुट्टी 555? बेटा जैसे ही इसको पिएगा ना कोई भी बच्चा, तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी, उसकी लर्न करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वो एक घंटे के अंदर एक बुक लर्न कर सकता है। हाँ बिल्कुल, चिट्टी रोगों के जैसे, बिल्कुल एक घंटे के अंदर एक बुक लर्न कर लेगा वो। अब देखो इसने आके बताया, इसको तो सिर्फ यही पता है ना बिजनेस कौन सा शुरू करना है, अब इस बिजनेस को कैसी शेप देनी है। सर शेप देनी है का मतलब, इस बिजनेस को कैसी शेप देनी है, अब बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो होगा। अच्छा देखो कुछ बातों के बारे में बता रहा हूं, जैसे कि सोल प्रोपराइटरशिप पता है बेटा, पार्टनरशिप पता है, सोल प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी, ठीक है, और कंपनी। अब सिंपल सी अप्रोच है, आपका ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, वो इन तीन चीजों पे बार बार स्ट्रेस देता है। कंपनी के साथ ही आपको LLP के बारे में थोड़ा सा बताएगा, LLP क्या होती है, कंपनी क्या होती है। इस चैप्टर में आगे चलने से पहले हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि थोड़ा थोड़ा बच्चा जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, उनको जानता है। बेसिक कंसेप्ट किस बारे में, कि इन सब चीजों के बारे में बेसिक नॉलेज आपको है। जैसे कंपनी की अगर मैं बात करूं तो फीचर्स ऑफ कंपनी क्या है, कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं, जैसे एक आर्टिफिशियल पर्सन, देखो बताता हूं बेटा, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी नकली आदमी है। नकली आदमी कैसे है, क्या है मेरे पास, अच्छा देखो ये रिमोट है मेरे पास, देखो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज जस्ट लाइक दिस रिमोट, इस रिमोट के जैसी है, खुद कुछ नहीं कर सकता। मैंने इसको रिमोट बोला, रिमोट गर्मी लग रही है, जाए जरा पानी ले गया, ला सकता है, नहीं ला सकता। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तुम लोगों ने कभी नहीं देखा कि वो देख कंपनी जा रही है, बिकॉज कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन। तुम लोगों ने कभी सुना है कि कंपनी मुबारक हो कंपनी हुई है, सुना कभी ऐसा? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना बेटा? इसलिए नहीं सुना क्योंकि
कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. तुम लोगों ने सुना है कभी कंपनी की शादी हो गई? नहीं सुना. बिकॉज कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड कंपनी विल बी वाइंड अप बाय लॉ ओनली. सर आपको ना पसीने आ रहे हैं. अच्छा अच्छा. उसके बाद जैसे ही तुम लोग पैदा हुए, ठीक है, अच्छा क्या बता था मैं, अब नहीं आएंगे. अच्छा जब तुम लोग पैदा हुआ बेटा, तो जैसे ही तुम लोग पैदा हुए तो पापा ने डिसाइड कर लिया मेरा बेटा फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर. इसी तरीके से तुम्हारे घर वालों ने भी डिसाइड कर लिया मेरा बेटा मेरी बेटी प्रोफेशनल, मतलब ठीक है ना. आप थोड़ा सा और आगे चलते, थोड़ा सा और आगे गए तो अब कंपनी भी जैसे ही इनकॉर्पोरेट हुई तो आपने डिसाइड कर लिया कि कंपनी काम क्या करेगी. थ्री डेट देखिए ना, मेरी क्लास में पिक्चरें देखना बहुत जरूरी है बेटा. पिक्चरे देखते रहना यार, कुछ भी देखो पिक्चरे जरूर देखो. कुछ का रेफरेंस मैं देता रहूंगा, वो वही सेम पिक्चरें रिपीट कर देंगे, दिखा नहीं सकता वरना पकड़ लेंगे मेरे, ठीक है. चले आगे. नाउ कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पहली बात आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है. थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूँ बेटा यहाँ पे, बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूँ. और मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ यहाँ पे कि आपको बेसिक फीचर्स ऑफ कंपनी आपको पता है, जो आपने मेरे साथ कंपनी लॉ में देखे हैं. जिन बच्चों ने नहीं देखे प्लीज वो वाला चैप्टर जरूर कवर कर लेना, या वरना यहाँ कंफ्यूजन होगी. और कंपनी है एक परपेचुअल सक्सेशन. अच्छा बेटा परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है? दैट मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो. कंपनी एक सिंपल सी अप्रोच है, कंपनी एक सिंपल सा फंडा है जिसके अंदर इन्वेस्ट करने वाला कोई और है, इन्वेस्ट करने वाला कोई और है और उसको मैनेज करने वाला कोई और, ठीक है. इन्वेस्ट जो करता है उसके पास शेयर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं शेयर होल्डर, उसको हम कहते हैं शेयर, ठीक है. अब जो शेयर होल्डर है उसने पैसा लगाया है और मैनेज कौन कर रहा है? डायरेक्टर्स. अब एक बात बताओ, जैसे रिलायंस कंपनी है ये, चलो आजकल बहुत फॉर्म में है पतंजलि, पतंजलि है बाबा रामदेव, पतंजलि एक कंपनी है. इस पतंजलि कंपनी के अंदर लगभग आप मान के चले कि 50 शेयर होल्डर्स की डेथ हो जाती है तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं सर, कंपनी बंद नहीं होगी, क्योंकि कंपनी के पास है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी जो तुम्हारे मोबाइल फोन में है. जी हाँ, वही लाइफ टाइम वैलिडिटी जो आपके मोबाइल फोन में है ना बेटा, वही है यहाँ पे. आपका मोबाइल फोन एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक नकली आदमी है, खुद कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक उसी तरीके से कंपनी भी खुद कुछ नहीं कर सकती. उसके अंदर लाइफ टाइम वैलिडिटी है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ठीक, परपेचुअल सक्सेशन. अच्छा नॉर्थ इंडिया से कितने लोग हैं मेरे साथ यहाँ पे? नॉर्थ इंडिया से कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ब्लैक ब्लैक आ रहा हूँ अब, ठीक है. हाँ ठीक है, कस्टमर डिमांड देख रहे हो तुम लोग. अच्छा बेटा अब ये बताओ कि नॉर्थ इंडिया से कितने लोग हैं? हरिद्वार जाते हैं, है ना, वहां पे आता है. वो जो रिवर है जिसको हम गंगा कहते हैं, उस रिवर में पानी, जो रिवर है वो तो सेम है पर वो पानी चेंज होता जा रहा है ना. क्या इससे रिवर पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? कभी बहाव जो है, कभी जो फ्लो है बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है. तो क्या इससे रिवर पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? सर नहीं, इससे रिवर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. दैट इज परपेचुअल सक्सेशन, इसी को परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं. और बताता हूँ और आसान तरीका. अभी एक काम करना, जैसी मेरी क्लास खत्म होगी तुम लोग निकल के घर के बाहर जाओगे, घर के बाहर जैसी झांकोगे ऐसे नीचे लटक के, तो क्या दिखता है बेटा? एक सड़क है. सड़क नहीं है, क्या है? सड़क है. अब जो सड़क है बेटा वहां पे, उस सड़क पे आपको देखेगा कि सड़क सेम रहती है, आने जाने वाले लोग चेंज हो जाते हैं, आने जाने वाले लोग चेंज हो रहे हैं. कोई आधी कोई जा रहा है, थोड़ी देर बाद कोई और जाएगा. क्या इससे सड़क पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा. नहीं सर, इससे सड़क पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा. नहीं पड़ रहा ना. हाँ चलो, अब यही होता है परपेचुअल सक्सेशन बेटा. उसके बाद एक आता है सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी बेटा, आपका मोबाइल फोन जो है, आपका मोबाइल फोन जो है बनाया किसने? सर श्याम सिंह ने, सैमसंग ने बनाया. मैनेज कौन कर रहा है? आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है. इन्वेस्ट किसने किया? सैमसंग ने, आपने खरीद लिया, आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है. तो वो क्या मोबाइल फोन और सैमसंग एक ही चीज है? नहीं सर, अलग है. मोबाइल फोन को उठाओ और देखो, क्या मोबाइल फोन और तुम लोग एक ही हो? सेम हो दोनों? चिपके हो? हाँ सर, आजकल तो चिपके हुए ही है ना. तो दोनों अलग अलग है बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी. ये चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में कंपनी लॉ में पढ़ाई है, ठीक है. तो बहुत ज्यादा डिटेल अब मैं आपको और नहीं बताता है. आप थोड़ा सा आगे चलते हैं. तो संता बनता आपके पास आए, ठीक है, संता बनता आए आपके पास. जैसे संता और यह है बनता. संता बनता आए आपके पास, आप हो चुके हो पास. सर ये लड़की की फोटो लगा रखी आपने तो क्या हो गया? अब
बेटा ये है आपके पास, आप हो चुके हो पास, उसने कहा बिजनेस शुरू करना है, आपने ठीक दुकानदार की तरह क्या किया, आपने दुनिया जान के ऑप्शंस इनको दे दिए, आपने कहा बिजनेस शुरू करना है, ये लो सारे मोबाइल फोन निकाल के इसके सामने रख दिए, देखो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बना सकते हो, आप पार्टनरशिप बना सकते हो, आप एचयूएफ बना सकते हो, आप एलएलपी बना सकते हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, आप कंपनी बना सकते हो, ब्रांच ऑफिस तो खैर ठीक है इसको बाद में डिटेल में कवर करेंगे। सो बेटा इसके लिए सोसाइटी अगर आपको बनानी है, सर सोसाइटी कैसे होती है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा तुम लोगों ने, सोसाइटी वही होती है बेटा, कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 से बनती है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो ऊपर वाली है, दिस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप एक्ट 1932, जैसे दुकानदार के पास जाओ तो दुकानदार ने आपको दो फोन दिखाए जो कि रेडमी के हैं या ज्योमी के हैं, ठीक है, एक फोन दिखाया जो आईफोन है, दिस इज गवर्न बाय एलएलपी एक्ट 2008, सोसाइटी अलग से एक फोन दिखाया किसका, माइक्रोमैक्स, एक दिखाया कंपनी, कंपनी इज सैमसंग, सैमसंग है ना, चले मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। तो बेटा दुनिया जहान की चॉइसेस आपने उसके सामने रख दी, आपने कहा चाचा लो इतने सारे ऑप्शन है, चाचा नहीं सॉरी, सो ये बहुत सारे ऑप्शन है जो आपके सामने आपने उसके सामने रखती है। अब ये सारे ऑप्शंस आपने उसके सामने रखे, ठीक है, अब उसको डिसाइड करना है कि कौन सा खरीदना है। अब उसके लिए आप उससे कुछ क्वेश्चंस पुट करोगे, आप क्या करोगे, दुकानदार पूछता है कि भैया अब आपने क्या, अब आप क्या करना शुरू करते हो, धीरे धीरे वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, धीरे धीरे वो आपसे कुछ क्वेश्चन, भैया इसके अंदर ये स्पेसिफिकेशन है, सोल प्रोपरेटरशिप बनाओगे तो ये होगा, पार्टनरशिप बनाओगे तो ये होगा, अगर आप सोसाइटी बनाओगे तो ये होगा, कंपनी बनाओगे तो ये होगा, ठीक है, मोबाइल फोन सैमसंग का लोगे तो ऐसा होगा, ज्योमी का लोगे तो ऐसा होगा, आईफोन लोगे तो ऐसा होगा, आपसे सारी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है। अब बेटा ये कंपनी जो है ना, ये है मेजर एस्पेक्ट आपका, अगला चैप्टर जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे वो सारा का सारा इन्हीं पे बात करता है। सो दिस टाइप ऑफ कंपनीज इज बेसिकली ओबीसी, सोल प्रोप्राइटरशिप सुना है ठीक, ऑलमोस्ट उसके जैसी, बस कुछ चीजों का फर्क है बेटा, वो पार्टनरशिप फर्म में आता है और ये आएगा आपका कंपनीज एक्ट, जहां पे एक इंसान, हाँ जैसे मम्मी को सीरियल लगा के बैठी होती है, कौन से वाला सीरियल सर, वैसे वाला यार, वो भगवान की तपस्या वाला, एक बंदा ऐसे चौकी मार के बैठ जाता है, भगवान प्रकट होते हैं, उसको वरदान मिलता है, देखा है नहीं देखा, अरे टीवी नहीं देखते हो तुम लोग, बेटा माई क्लास में टीवी देखना बहुत जरूरी है। अब तो ऐसे ही वन पर्सन कंपनी एक आस्पेक्ट आया, एक नया आस्पेक्ट, जब उनको लगा कि यार बार बार हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इंडिया के अंदर बिजनेस प्रमोट हो, इसीलिए इन्होंने एक इंसान को इम्पावर कर दिया कि भैया ले ऐश कर। आफ्टर दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कुछ घर के प्राइवेट लोग ही, जहां पे कुछ लिमिटेड लोग ही हैं, बाहर के लोग नहीं है, पब्लिक कंपनी जहां पे बाहर के लोग भी हैं, गारंटी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, ये सारी कंपनीज वो है जो हम डिटेल में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो सर यहाँ क्यों बता रहे हो, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर का ओवरव्यू है, सो दिस इज टोटली अबाउट योर चैप्टर नंबर 2, पर दिया हुआ था मॉड्यूल में, मैंने कहा थोड़ा सा बता देते हैं, चलो अपना बच्चा हुआ, आपने ये छुड़वा दिया, आपने ये छुड़वा दिया, चले आ गया बेटा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब आपने भी क्या किया, आपने ठीक उस दुकानदार की तरह, जब आपके पास कस्टमर आया आपने उसको दुनिया जहान के ये ऑप्शंस दे दिए, जब आपने ऑप्शंस दिए तो आपने उसको स्पेसिफिकेशंस भी बताई, आपने कहा इसको ये है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, इसके ये फीचर्स हैं, इसके ये, अब वही फीचर्स हम संता बंता को डिटेल में बताएंगे कि अगर आपको कैमरा नहीं चाहिए तो आप नोकिया 1200 ले लो, जैसे आप बताते हो कि इसने तीन फोन रख दिए 1 2 3, इसमें 5 मेगापिक्सल कैमरा है, इसमें 8, इसमें 23, उसने तीनों बताए, बेटा तीन मोबाइल फोन रखे उसने आपके सामने, देखो अब बताता हूं। सो आपने क्या किया, आपने M1 मोबाइल 1 मोबाइल 2 मोबाइल 3, आपने तीन मोबाइल फोन जो उसको पसंद आ रहे थे आपने वो रख दिया उसके सामने। अब आप बारी बारी से उसको गिनवाते हो कि भैया इसके अंदर इतना कैमरा है, इसके अंदर इतना, इसके अंदर इतना, इसके अंदर इतनी रैम है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है, इसके अंदर ये है, ठीक है, ठीक इसी तरीके से आप एक एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक इसी तरीके से, बिकॉज दिस इज रियली क्रूशियल। ऐसा नहीं होता है बेटा कि आज आपने आईफोन ले लिया, आईफोन लेने के बाद में आपको पता चले कि यार मेरे को तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, चलो नोकिया पे चलते हैं, नोकिया 1200 ले लेते हैं, ना
ये कहना बहुत आसान है कि आप कंपनी उसको प्राइवेट से पब्लिक लेकर जाओगे, पर बिलीव मी तेल निकल जाएगा तुम्हारा भी और क्लाइंट का भी, और उसके बाद जी भर के वो जो तुम्हारे को सुनाएगा ना। अब पहला सवाल जो प्रोफेशनल पुट करता है संता बंदा पे, कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या है, व्हाट इज नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। सर ये तो ठीक है, पर इसकी हेडिंग क्या डालेंगे हम बेटा? पहले वाले को जो चार्ट बनाए मैंने वो ड्रॉ किए नहीं किए। ओले ले ले, क्या कर रहे थे तुम लोग, क्या सोच क्या है? सरदार बहुत खुश होगा है। सो द हेडिंग इज फैक्टर्स गवर्निंग डिसीजन फॉर सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं? आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म को सिलेक्ट अगर करते हो तो उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गवर्न करेंगे कि आपको कौन सा वाला ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है, कौन सा सिलेक्ट नहीं करना है? किन फैक्टर्स पे ये बातें डिपेंड करेंगी कि आपको फॉर्म बनानी चाहिए या आपको कंपनी बनानी चाहिए या आपको LLP बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब किन बातों पे डिपेंड करता है? ठीक है, जैसे मोबाइल फोन लेने गए, कौन सा मोबाइल फोन लेना है किन बातों पे डिपेंड करता है। ऐसे ही बेटा सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, और दिस इज नेचर, दिस इज नॉट नटूरे। बच्चा बोलता है नटूरे। चलो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बेटा देखो, इफ देयर इज समथिंग लाइक अ स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस, स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस, कोई छोटा सा ट्रेडिंग बिजनेस है किसी इंसान का, स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस और स्मॉल ट्रेडिंग प्रोफेशन। एक मोची आया आपके पास, मोची जानते हो, हाँ हाँ, जो शूज वगैरह ठीक करता है, शूज पॉलिश करता है, वो आपके पास आया और रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज। सर कैसे? जैसे वो फिजियोथेरेपी वाले है ना, पर्सनल सर्विसेज, जो घर पे आके फिजियोथेरेपी वाली सर्विसेज देते हैं, रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज। बेटा वो आए, अब क्या होगा कि अब वो लोग आएंगे तो तुम लोग उसको क्या बोलोगे, उसके लिए क्या सूटेबल है? उन लोगों के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप ही बेस्ट है, क्योंकि छोटा सा ही बिजनेस है, अकेले हैं, बहुत ज्यादा टर्नओवर नहीं होने वाला है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज प्रीडोमिनेंट फॉर दोस पीपल। अगर आपका बिजनेस छोटा है, बहुत ही छोटे लेवल पे आप काम कर रहे हैं, तो वही ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते, ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा। सो अगर थोड़ा सा और नोट करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, जैसे रिटेल शॉप्स हैं, दुकानदार हैं आपके आसपास, रिटेल शॉप्स वाले दुकानदार हैं आपके आसपास, जाते हो चीनी लेने भेज देती है मम्मी कभी कभी, है ना? ठीक है, अब बेटा इस बिजनेस को, ये तो है बहुत छोटे वाला, इससे थोड़ा सा बड़ा बिजनेस है। अच्छा, अब आपने क्या किया, सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा सा ऊपर चले गए। सर मतलब आपने बिजनेस को हल्का सा और एक्सपैंड कर दिया। जैसे कि आपने देखा है ब्यूटी पार्लर देखे, और लड़कों की बात करें तो सैलून वगैरह देखे। बेटा जहां जहां पे पार्टनरशिप अप्लाई होती है ना, जहां जहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप आता है, वहीं पे पार्टनरशिप भी अप्लाई हो सकती है। जैसे ब्यूटी पार्लर वाला है आप देखते हो, उसके बाद आप देखते हो कि कुछ कंसल्टिंग शॉप्स हैं, ऐसे कंसल्टेंट्स नहीं बैठे होते, ओ माय गॉड देखिए, अरे मैं यार छोटा सा कंसल्टेंट हूँ, डोर टू डोर सर्विसेज, है ना, अक्षय कुमार वाला डायलॉग। उसके बाद मेडिसिन स्टोर्स हैं। तो ऐसे पे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, इन लोगों को सजेस्ट किया जा सकता है कि आप पार्टनरशिप में चले जाए, कि आप पार्टनरशिप बनाए। बेटा डिपेंडिंग अपॉन स्केल ऑफ बिजनेस, दीज टू थिंग्स कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। ये दोनों को आप स्वैप भी कर सकते हो, इसकी जगह वो, उसकी जगह ये। कैसे? देखो सिंपल सा फंडा है कि अगर थोड़ा सा ज्यादा बिजनेस आगे है, थोड़ा सा भी बड़े स्केल पे है तो आप पार्टनरशिप पे आ जाओ, बहुत छोटे स्केल पे है तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे ही रहो। ठीक है, एक अब देखो सर कैसे पता चलेगा, देखो छोटी सी बात है, एक फिजियोथेरेपी वाला है, वो फिजियोथेरेपी वाला पूरी लगभग आप समझो कि 100 कस्टमर्स हैं उसके पास, अकेला मैनेज कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 100 कस्टमर्स मैनेज हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर उसके पास 500 कस्टमर्स हैं तो
तो पार्टनर, ठीक है, हाँ थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा, सर अकेला मैनेज कर लेगा, स्टाफ भी तो रखेगा। अब देखो आगे चलते हैं, अगर बिजनेस को थोड़ा सा और आगे लेके जाना है, जैसे आपको होटल खोलना है, कॉमा ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस हैं, ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस हैं, ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस का क्या मतलब होता है सर? बेटा जैसे कि होलसेल ट्रेड, होलसेल ट्रेडर्स होते हैं, होलसेल ट्रेड, जैसे कि तुम्हारा रिलायंस है, रिलायंस फ्रेश है, बिग बाजार है, ठीक है, उसके बाद लार्ज चेन स्टोर्स। ये लार्ज चेन स्टोर्स कौन से वाले होते हैं? बिट्टू टिक्की वाला सुना है? बिट्टू टिक्की वाला, बहुत सारी चेन्स है इनकी। KFC सुना है? बहुत सारी चेन्स है इनकी। सबवे, बहुत सारी चेन्स है इनकी। मैकडोनल्ड्स, बहुत सारे हैं, काफी हद तक बंद हुए पर कोई बात नहीं, दे आर स्टिल वर्किंग। अब उसके बाद बेटा अगर ऐसा है, और उसके बाद सुपर बाजार यानी कि बिग बाजार, तुम लोगों को पता है पतंजलि का भी बिग बाजार आ गया है? हाँ, पतंजलि क्या कहते हैं उसको पता नहीं, हाँ देर इज समथिंग नोन एज, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, पतंजलि भी ऐसे प्रॉपर कॉम्प्लेक्स बना चुका है जहां पर सिर्फ पतंजलि का सामान मिलता है। हाँ प्रॉपर बिग बाजार वाली फॉर्म, हाँ बिल्कुल सुपर बाजार, राइट। सो इन चीजों के लिए यहाँ पे आपको हाई कैपिटल चाहिए, आपकी कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए, आपको पैसा बहुत ज्यादा चाहिए होता है बेटा। एक मोची की दुकान खोलने के लिए बहुत कम पैसा चाहिए, बट मेरा एक मॉल बनाने के लिए बहुत ज्यादा ही पैसा चाहिए, ठीक है। हाई कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपकी कैपिटल और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा है। अब एक इंसान है जिसका करोड़ों रुपए का बिजनेस है, वो तो आईफोन ही लेगा, है ना, आईफोन हैज नथिंग, जस्ट मेरली अ क्लास, नथिंग एल्स। अच्छा उसके बाद सिंगल सिंगल यार, है ना। अब देखो बेटा, एक देयर इज हाई कैपिटल, आईफोन लेने के लिए पैसा बहुत चाहिए, उसके बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसके रिक्वायरमेंट अगर आपने टेम्पर फोड़ दिया या आपने चार्जर खो दिया या कुछ और चीजें हुई तो उसके ऊपर मेंटेनेंस भी ज्यादा है। ठीक इसी तरीके से अगर आप बड़ा बिजनेस करते हैं तो आपके पास लूपिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आपको करनी है वो तो बहुत ज्यादा है ही, साथ के साथ जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी ज्यादा ही होगी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा समझ में आया। अच्छा अब उसके बाद एक और कंसेप्ट आया जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है डे बाय डे नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर। एक और कंसेप्ट था जिसके बारे में प्रोफेशनल ने संता बत्ता को बताया कि सर एक आ रहा है LLP, आजकल मार्केट में नया आया, बहुत चल रहा है, नया मोबाइल फोन आया, बहुत चल रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। संता बत्ता ये आया, ये बहुत बढ़िया आया, आजकल मार्केट में लीडिंग भी है कंपनी का जैसा, पर फीचर कंपनी और पार्टनरशिप दोनों वाले, जो समझदार आदमी होता है वो यही जाता है, ठीक है। अब बेटा अब इसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लायबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, जिसको लेकर और चीजें क्लियर होंगी तो मैं यहाँ पे वो बात नहीं कर रहा हूँ। एक लायबिलिटी होता है कि कितनी लायबिलिटी आपके ऊपर आएगी इन केस ऑफ पार्टनरशिप, जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, कोई अंत नहीं है लायबिलिटी का। पर कंपनी के केस में दो एस्पेक्ट्स पड़ते हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड, तो दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, बट अभी थोड़ा सा टाइम रुक के, ठीक है। और ऐसे ही एक कंसेप्ट और आया जिसके बारे में हमने संता बंता को बताया, दैट वाज OPC, वन पर्सन कंपनी, इकलौता कंसेप्ट जो कि लाया गया वन पर्सन कंपनी फ्रॉम कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 262 व्हिच टॉक्स अबाउट कि अकेला इंसान भी कंपनी बना सकता है, क्योंकि इन लोगों ने भी क्या किया, इन लोगों ने भी ना वो साउथ की मूवी आती है ना बार बार, मेरी जंग, वन मैन आर्मी, इन लोगों ने 25-30-50 बार देख ली। हाँ जब देख लिया तो क्या हुआ कि भाई साहब इनको लगा कि यार कुछ तो होना चाहिए। चलो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट बेटर, OPC इज वन पर्सन कंपनी। अब थोड़ा सा आगे चलते, अगला पॉइंट जो पूछा गया कि भाई साहब एक बात बताए, आपका नेचर ऑफ बिजनेस को हमें पता चल गया, आपका स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या होने वाला है, दैट मींस आपका जो बिजनेस है किस लेवल तक आप ऑपरेट करेंगे, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, आपका स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या होने वाला है। सर स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या होने वाला है, मतलब बताता हूं, स्केल ऑफ ऑपरेशंस का मतलब होता है कि आपकी जो कंपनी है वो कितने बड़े स्केल पे ऑपरेट करने वाली है। अगर आपकी बेटा देखो, अब एक बेचारा
क्या है कि एक दूध वाला है, दूध वाला जो है मदर डेयरी ना, अच्छा कंफ्यूज हो जाओगे, एक रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला रिक्शा कितने किलोमीटर तक चला सकता है? सर रिक्शा वाला रिक्शा चला सकता है मुश्किल से 50 किलोमीटर तक, बस दिन का 50 किलोमीटर चला लेगा, बस छुट्टी, बेचारा घर से लेता है मेट्रो स्टेशन पे छोड़ देता है, दैट्स इट। अब एक इंसान आया जिसके रिक्शे यूनियन है, आपने उसको क्या बोला कि भैया तू एक काम पर तू कंपनी बना ले और पैसा लगा दे एकदम? ये तो ऐसी बात हो गई, एक इंसान को अपने गांव फोन करना और आप कह रहे हो आईफोन से नीचे कोई फोन नहीं है हमारे पास, उसको बेचारे को लाख रुपए का फोन दे दो, क्यों सिर्फ और सिर्फ गांव फोन करना है? वो फोन करना तो बहुत महंगा है, जैसे वो प्रैंक्स वगैरह आते रहते हैं, देखें उस प्रैंक्स के अंदर क्या होता है बेटा कि वो दिखाता है कि यार बेगर के पास आईफोन है ना। देखो अब स्केल ऑफ ऑपरेशंस के अंदर क्या होता है कि अगर स्केल ऑफ ऑपरेशंस मतलब कितने एरिया के ऊपर या कितने बड़े एरिया कितने छोटे एरिया के ऊपर आपकी कंपनी ऑपरेट करने वाली है, दैट इज स्केल ऑफ ऑपरेशंस। अगर वो एक बहुत छोटे एरिया के ऊपर आप ऑपरेट करने वाले हो, दैट मींस यू आर गोइंग टू हैव अ सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी, या तो वन पर्सन कंपनी या सोल प्रोप्राइटरशिप को ही आपको अडॉप्ट करना चाहिए, जो ऐसा एरिया जो कि ना बहुत बड़ा है ना ही बहुत छोटा है, राइट। एक मिडिल सेगमेंट के लिए अगर कोई इंसान आपके पास आ रहा है तो आपको सजेस्ट करनी है पार्टनरशिप या एलएलपी। और अगर कोई बहुत बड़ा सेगमेंट है, जैसे कि अगर मान लो एक दूधिया है जिसका नाम है प्रकाश डेयरी, राइट, और एक है मदर डेयरी, एक डेयरी है बेटा जो आपके पड़ोस में, एक है मदर डेयरी और एक है प्रकाश डेयरी, प्रकाश डेयरी, प्रकाश डेयरी, नत्थू डेयरी, जो मर्जी समझो यार, ठीक है। तो बेटा दोनों का डिफरेंट है, मदर डेयरी बहुत बड़े लार्ज स्केल पे है तो इसको सजेस्ट किया जाता है कि आप एक कंपनी ही बनाए, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन, अगर रिलायंस को कहा गया होता कि भाई साहब आप एक काम करो आप कंपनी मत बनाओ, या बाबा रामदेव को कहा गया होता आप कंपनी मत बनाओ आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओ, तो सोचो ये बिजनेस कहाँ होता, ठीक है, आई बात समझ। चलिए अगर मैं आपको बोलूं कि आप नोकिया का फोन ले लो 1200, तो क्या आप लोग चलाओगे? बिल्कुल नहीं चलाओगे, ये कोई फोन ये फोन। चले आगे आप बेटा, नाउ मूविंग ऑन टू अगली, तीसरा पॉइंट जिस पे ये डिपेंड करता है, दैट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। कि कैपिटल रिक्वायरमेंट, जब संता बनता बिजनेस करेंगे तो उनको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये अगला सवाल वो प्रोफेशनल पूछता है किससे, संता बनता से, कि सर आपको पैसा कितना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें बेटा कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिसके अंदर लोगों का पैसा बेअंत लगा हुआ है ना, मतलब इतना लगा हुआ है कि मतलब कुछ अंत नहीं है। अब देखो कैपिटल रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो कैपिटल एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिजनेस चलता किससे है, कैपिटल से। अब कुछ ऐसे एंटरप्राइजेस हैं जिसके अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, अगर कुछ बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट आपके लिए है तो उस हैवी इन्वेस्टमेंट के लिए आप सजेस्ट करते हैं कंपनी, या आप कंपनी बना लो भैया। जहां भी पैसा ज्यादा है, देख रहे हो एक ही बात को पकड़ना है हमें बस, कि जहां पे पैसा ज्यादा लग रहा है वहां पे क्या करना है बेटा, कंपनी बनानी है, वहां पे क्या बनानी है, कंपनी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब उसके बाद अब कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर आप कंपनी बना रहे हो तो क्या आप लोगों से पैसा लेना पसंद, आपको क्या कल को जाकर अगर आप पब्लिक इशू लेकर आओगे, अगर पब्लिक इशू लेकर आओगे तो पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, या फिर आस पड़ोस में अपने में ही पैसा रखोगे, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अब देखो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मतलब कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है, क्योंकि पब्लिक कंपनी है तो ही आप जाओगे लिस्टेड पे, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी लिस्टेड, प्राइवेट कंपनी लिस्ट नहीं हो सकती है बेटा, ठीक है। अब देखो अगली बात, फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगर हम कुछ स्मॉल इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस की बात करें, स्मॉल इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस की बात करें जहां पे इन्वेस्टमेंट का लेवल बहुत ही लो है, तो जैसे कि रिटेल स्टोर्स है, कुछ पर्सनल सर्विसेज है, जैसे नाई की दुकान है, सलून है, वहां पे आपको सजेस्ट करना होता है सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप। अगर अकेला इंसान है, अगर अकेला इंसान है तो सोल प्रोप्राइटरशिप और ऑब्लिक पार्टनरशिप, इन दोनों में से आप कुछ भी सजेस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके क्लाइंट की नीड क्या है। अब देखो हर एक जगह पे क्या होगा, अगर स्मॉल इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं, सोल प्रोप्राइटरशिप की मैं आपसे बात करूं, तो बेटा क्या होगा वहां पे जो भी पैसा चाहिए होगा ना इस स्मॉल इन्वेस्टमेंट को लेकर, ये एडिशनल कैपिटल बोरोइंग से बाय परचेज ऑन क्रेडिट से, परचेज ऑन क्रेडिट जिससे आपने मान लिया है आपको उससे, अच्छा
पढ़ा होगा ना रिसीवेबल मैनेजमेंट नाम का चैप्टर पढ़ा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, नहीं पता? अच्छा देखो, संता बंता ने क्या किया, एक संता है और एक बंता है, संता बंता को पैसे की जरूरत पड़ी, संता बंता की फॉर्म है, संता बंता ने क्या किया, एक लड़की है जिसका नाम है चमेली, चमेली से लोन ले लिया बेटा, तो लोन ले सकते हैं, या चमेली क्या करती है, चमेली इनको गुड सप्लाई करती है, चमेली इनको गुड सप्लाई करती है, चमेली ने जब उनको गुड सप्लाई किए तो बेटा पेमेंट करने के लिए 3 महीने का क्रेडिट टाइम, 3 महीने का क्रेडिट टाइम चमेली के पास अवेलेबल है, चमेली ने संता बंता को दिया, तो फिर से आपके पास पैसा आ गया, ठीक है, फिर से आपके पास पैसा आ गया, गुड्स आ गए, आप सामने कैश पे बेचो, 3 महीने के लिए पैसा आपके पास है, 3 महीने का क्रेडिट टाइम चमेली ने आपको दे दिया, तो इस तरीके से आपके पास पैसा आ सकता है, ठीक है। या तो संता बंता खुद ही चाहे, जैसे अच्छा पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर पड़ा होगा कि संता बंता चाहे तो खुद ही एडिशनल कैपिटल भी लेकर आ सकते हैं, एडिशनल कैपिटल लेकर आ गए, कौन लेकर आ गए, संता बंता, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है। चले बेटा आगे, अब नेक्स्ट इज मैनेजरियल एबिलिटी। अच्छा अब एक बात बताओ कि हर इंसान, क्या हर इंसान ऐसा होगा सर, कैसा मतलब, एक इंसान ऐसा हो सकता है कि एक, देखो एक इंसान है, एक इंसान है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कंपनी सेक्रेटरी है, वो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, उसके साथ ही वो क्या है, डॉक्टर भी है, वो इंजीनियर भी है, वो उसके बाद साइंटिस्ट भी है ना, और वो मतलब गाड़ियों में रेस भी लगाता है ना, वो जज भी है, उसके बाद और क्या है, वो क्रिकेटर भी है, इंडिया में खेलता भी है, ऐसा सब कुछ हो सकता है क्या सर? सब कुछ ना, ये सिर्फ फिल्मों में ही अच्छा लगता है सर, सब कुछ हो सकता है ना, अगर वो इंसान फिल्मों में एक्टिंग करता है तो बहुत ही बाकी जो होता है, अगर वो फिल्मों में एक्टिंग करता है तो वो डॉक्टर भी है, वो इंजीनियर भी है, वो प्रोफेसर भी है, वो नाई भी है, वो रेस भी लगाता है, वो क्रिकेट भी खेलता है, सही है सही है सही है, टाइगर श्रॉफ समझ रखा तुम लोगों ने, फिल्मों में एक्टिंग करता है तो सही है बेटे, क्रिएटिव माइंड है, क्रिएटिव माइंड। देखो नाउ अब बेटा चौथा पॉइंट जो कंसिडर करेगा प्रोफेशनल, जो वो उनको कहेगा किसको, संता बंता को, कि भैया एक बात बताओ कि जो आपका बिजनेस है उसके अंदर मैनेजरियल एबिलिटी कितनी चाहिए आपको, मैनेजरियल एबिलिटी। अब एक रिक्शा चलाने वाला है, अब एक बेचारा रिक्शा चलाने वाला है, उसके अंदर क्या मैनेजरियल एबिलिटी चाहिए, वहां मैनेज करने के लिए क्या एबिलिटी चाहिए, कुछ भी नहीं, ना के बराबर, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप किसी बिजनेस की बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है बेटा, एक सिंगल इंसान है, वन मैन आर्मी है, उसी को सब कुछ देखना है। अब मैं ये कहूं कि एक ही इंसान है, उस एक इंसान को ही सब कुछ देखना है, सारी चीजें देखनी है, तो कैसे कर पाएगा बेचारा, नहीं कर पाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव एक्सपर्टीज इन एवरी फील्ड, वेरी डिफिकल्ट टू हैव एक्सपर्टीज एवरी एरिया। अब वो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला एरिया है, बेचारा अकेला इंसान है जो बिजनेस कर रहा है, आप कहते हो वो मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट हो, फाइनेंस में भी एक्सपर्ट हो, लॉ में भी एक्सपर्ट हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आप और किसी को भी नहीं ला सकते, अकेले ही आपको सब कुछ करना है, आप कह रहे हो मैं सर्वगुण संपन्न हूं, मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूंगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप एंड कंपनी की, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें एंड कंपनी की बात करें, तो इन बोथ ऑफ द केसेस व्हाट कैन बी देयर, देयर इज डिवीजन ऑफ वर्क इनटू एंटरप्राइज, डिवीजन ऑफ वर्क इनटू एंटरप्राइज, एंटरप्राइज जो काम है उसको डिवाइड किया गया है बहुत सारे एरियाज के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन specialization in different areas and different areas, जितने different areas के अंदर जो भी आपकी specialization है उसके ऊपर depending upon क्या होता है कि आप work को divide कर सकते हो। बेटा जैसे कि तीन है, तीन partners है, ए partner A, partner B, partner C, तीन लोग हैं, तीन लोगों ने मिलकर एक partnership firm चला है, इसको finance बहुत अच्छे से आता है, इसको लॉ बहुत अच्छे से आता है, और इसको मार्केटिंग बहुत अच्छे से आती है, तो आपके पास स्पेशलाइजेशन है,
आपके पास एक स्पेशलाइजेशन है, आपके पास हर एक फील्ड का एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट अवेलेबल है ना। अब अगर मैं उधर बात करूं सोल प्रोपराइटरशिप की, जहां पे बंदे का नाम है चमनलाल क्या है, एक सोल प्रोपराइटरशिप है। अब चमनलाल कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी फील्ड, बट व्हेन इट कम्स टू दिस पार्टनरशिप फर्म और दिस कंपनी दे आर एक्सपर्ट्स, राइट। चले बेटा आगे, नाउ मूविंग ऑन टू डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट सेंस कि सर आपको कितना कंट्रोल चाहिए बिजनेस पे, वो कहेगा जी कंट्रोल क्या, सारा कंट्रोल ही मेरा है ना। फिफ्थ डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो आपका कितना कंट्रोल होना चाहिए बिजनेस के ऊपर। अब मैं जितने बच्चे मेरे यहाँ पे बैठे हैं ना, मैं अगर ये सवाल किसी से ही पूछू ना कि बेटा एक बात बताओ, आप लोग बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपका कंट्रोल कितना होना चाहिए, सब सारा ही मेरा होना चाहिए, सारी मेरी चलनी चाहिए और किसी की नहीं चलनी चाहिए, जैसे मैं बोलूं काम वैसे हो, सबको ऐसा ही चाहिए, है ना, है ना, ऐसे नहीं होता। देखो बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं कि डिविजन ऑफ वर्क की या डिविजन ऑफ कंट्रोल की, तो अगर हम बात करें सोल प्रोपराइटरशिप की, सोल प्रोपराइटरशिप की और एंड ओपीसी की, तो क्या होगा, इस सोल प्रोप्राइटर या ओपीसी के अंदर सारा का सारा जो कमांड है, सारी की सारी ओनरशिप, टोटल कंट्रोल, टोटल मैनेजमेंट, सारी की सारी चीजें, मैनेजमेंट कंट्रोल आर फ्यूज्ड विद एंटरप्रेन्योर है, उसके पास पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। यहाँ पे एक ही इंसान है बिल्कुल वन मैन आर्मी की तरह, जो सारी चीजों पे ध्यान रखेगा और उसका हर बात पे हर चीज पे कंट्रोल होगा ही का। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ना मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब अगर मैं बात करूं कि बेटा अब हमारे पास है पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप के अंदर क्या है, तीन पार्टनर है ए बी सी। अब क्या सारा कंट्रोल ए का होगा, नहीं सर, बी और सी भी तो कहेंगे, अब इन तीनों का कंट्रोल है, तो हुआ ना कंट्रोल और मैनेजमेंट के अंदर डिवीजन हुआ ना, कि सारा की सारी बात एक ही नहीं चलेगी, जो मेजोरिटी जिसने हाँ करेगी वही वाली बात चलेगी, वरना कोई भी बात नहीं चलने वाली है। सो पार्टनरशिप इक्वल वॉइस इन मैनेजमेंट, equal voice in management, ठीक है, इधर एक equal voice in management is available, आपके पास proper voice in management available है, जो भी इंसान partner है उसके पास ये right है कि उसके पास बराबर का अधिकार है, that means one third इसके पास है और one third ही इसके पास available है, ठीक है। हाँ, जो अकाउंट्स में पड़ा ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हाँ ठीक, बिल्कुल वही वाला कंसेप्ट चल रहा है बेटा, यहाँ पे कुछ अलग नहीं चल रहा है, रिट्टो वही वाला कंसेप्ट है जो यहाँ पे कॉपी हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा थोड़ा सा आगे, हाँ, कंपनी के केस में देयर इज डिविजन बिटवीन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। जो ऑनरशिप है और जो मैनेजमेंट है ना, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कैसे बेटा, कंपनी की अगर मैं आपसे बात करूं तो कंपनी के अंदर कुछ लोग हैं जो शेयर होल्डर्स, इन शेयर होल्डर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, अकाउंट्स के अंदर पड़ा है या कंपनी लॉ में मेरे साथ पड़ा है, चलो कोई बात नहीं, मैं और एक बेसिक करके चल रहा हूं। अकाउंट्स के अंदर पढ़ा है आप लोगों ने कि जो इन्वेस्ट करता है मालिक वही होता है, जो इन्वेस्ट करता है बेटा, जिसने पैसा लगाया मालिक वही है ना, बोलो वही है ना मालिक। अब जिस इंसान ने इन्वेस्ट किया वही मालिक है, बिल्कुल सर वही मालिक है, जिसने इन्वेस्ट किया, जिसने पैसा लगाया वही मालिक है। पर यहाँ पे ना कंपनी को चलाते वो लोग नहीं है, चलाता है यहाँ पे मैनेजमेंट है जो कंपनी को चलाता है, यहाँ पे वो मैनेजमेंट है जो कंपनी को चलाता है।
है, यानी कि वो डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी को चलाते हैं, डे टू डे अफेयर्स के अंदर मालिक कोई नहीं आता ना। अच्छा चल और इजी करता हूँ इसको, और इजी करते हैं इस बात को, बोर तो नहीं हो रहे हो भी रहे हो तो कोई बात नहीं, पॉज करो जाओ घूम के आ जाओ। यहाँ पर तो ये भी फायदा है ना, मैं तुम लोगों को पकड़ के नहीं बैठा हूँ बेटा, कंपनी है ठीक इसी तरीके से तुम लोग। हाँ ये जो बच्चा मेरे सामने बैठा है, जो बच्ची मेरे सामने बैठी है, तो ये है और ये आने वाला प्रोफेशनल है। अब इस प्रोफेशनल के ऊपर, इस प्रोफेशनल के ऊपर चलो तुम्हारे स्कूल में चलते हैं। सर स्कूल वाले भी क्या दिन थे ना यार, स्कूल में चलते हैं। स्कूल में तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट किया जाता था, स्कूल में बेटा फीस किसने भरी स्कूल के टाइम पे, इन्वेस्ट किया किसी ने तुम्हारे ऊपर, किसने? सर माँ बाप, माँ बाप से बड़का कुछ नहीं होता है, मत रहो माँ बाप को ही छोड़ दिया अकेले जाता हूँ मैं, ऐसा कर करके तो बेचारा लेक्चरर आ गया उसको, है ना, माँ बाप कर करके। अब देखो, और उसके बाद आपको पूरे दिन मैनेज कौन करता था, पूरे दिन मैनेज कौन करता था आपको, पूरे दिन मैनेज करता था आपका स्कूल, आपके टीचर्स, है ना, आपका स्कूल आपको मैनेज करता था। तो बेटा ऐसे ही कंपनी है। अब एक बात बताओ, आपके स्कूल में आपका टेस्ट है, या कल आपके स्कूल के अंदर आपको क्या करना है, आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, या आपको एक टास्क दिया गया कि कल से आप आएंगे और सारे बच्चों की यूनिफॉर्म चेक करेंगे। क्या ये टास्क जब आपको दिया गया, ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपको दी गई, तो क्या आपके पेरेंट्स से पूछा गया? नहीं सर, पेरेंट्स से तो पूछा ही नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ स्कूल ने खुद ही डिसाइड कर लिया। बिकॉज अब देखो बहुत ही ईजी एस्पेक्ट है यहाँ पे, ठीक इसी तरीके से चलता है बेटा सब कुछ। इन्वेस्ट किया, दैट मींस यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला कंपनी के केस में कौन है? शेयर होल्डर। आप हो कंपनी और ये है स्कूल, है आपका स्कूल, है आपका स्कूल, है आपका मैनेजमेंट। हाँ बहुत अच्छे, तो स्कूल है आपका मैनेजमेंट। सो इसी जगह पे जब एक बार साल में ये लोग मिला करते थे, जब बैठ के जी भर के आपकी बुराई होती थी और ये कहते थे ये पढ़ता नहीं है, पूरा दिन बातें करता रहता है, ये करता है वो करता है ना। सो इसी तरीके से कंपनी का फिनोमेना भी ऐसे ही काम करता है, जहाँ पे शेयर होल्डर जो कि ऑनर्स हैं वो यहाँ पे बैठे हैं और चलाने वाला कोई और है, यानी कि कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया हुआ, ऑनरशिप उधर है और कंट्रोल इधर है, ठीक है? आई बात समझ मेरे लाल मेरे पीले? चल अब नाउ मूविंग ऑन टू अगला सवाल जो पूछा जाता है हमारे प्रोफेशनल से, जो हमारा प्रोफेशनल पूछता है किससे? संता बंता से, कि संता जनता जी ये बताइए कि आपका जो डिग्री ऑफ रिस्क है वो आप कितना लेना चाहते हैं? सर डिग्री ऑफ रिस्क, हाँ रिस्क कितना लेना चाहते हैं? सर रिस्क तो कम से कम लेना चाहते हैं हम लोग, हाँ रिस्क तो कम से कम लेना चाहते हैं। डिग्री ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी, रिस्क और लायबिलिटी ये कितनी चाहिए आपको? अब हर इंसान आपकी तरह ठीक संता मंता नहीं होता, हमें तो रिस्क चाहिए ही नहीं जी, लायबिलिटी तो हमें चाहिए ही नहीं, हम तो बस अच्छा चलो मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्या करना है। या ऐसे ही हर एक बच्चा जो होता है ना, ऐसे ही मैंने अपने भाई से पूछा जब वो ट्वेल्थ में था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तू क्या करना चाहता है, मतलब अब तेरी ट्वेल्थ खत्म हो गई है तू क्या करना चाहता है, किस लाइन में जाना चाहता है, कॉमर्स में जाएगा, आर्ट्स में जाएगा, एमबीए वाली साइड जाएगा, क्या करेगा? तो कहता है कि भाई मैं तो, तू क्या चाहता है? कह रहा है बस मैं तो यही चाहता हूँ पैसा आता जाए और मैं उड़ाता जाऊँ। हाँ सही है, बढ़िया है, सारे बच्चे यही चाहते हैं आजकल, पैसा आता जाए और ये उड़ाते जाए, सही। अच्छा अब देखो डिग्री ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी बेटा, अगर जितना स्मॉल बिजनेस होगा, अगर आपका बहुत छोटा बिजनेस है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क, उतना ही क्वांटम ऑफ रिस्क कम होगा। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है, अच्छा घाटा किसको ज्यादा होगा, आपके पड़ोस में बैठे हुए एक दुकानदार को या रिलायंस को, किसका लॉस का अमाउंट ज्यादा होगा? सर रिलायंस का लॉस का अमाउंट ज्यादा होगा, है ना। अब बेटा देखो, अब आप लोगों ने पढ़ा है कि पार्टनरशिप के अंदर या सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है? स्मॉल oh.
इन दोनों को चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इन दोनों को थोड़ा सा चेंज करते हैं अभी बेटा। जो पार्टनरशिप है, अगर मैं आपसे पार्टनरशिप की बात करूं और सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर फिर से जो लायबिलिटी है ना दोनों के केसेस के अंदर, लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। पार्टनरशिप के अंदर जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, जितना लॉस होगा उतना आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक इंसान है, एक इंसान है, ये क्या करता है, ये गड्डू छाप दंत मंजन बेचता है, ये बेचता है, ठीक है। अब इसको लॉस हो गया, इसके बिजनेस में इसको लॉस हो गया 5 करोड़ का, तो भी यही पे करेगा। अगर लॉस हो गया 55 करोड़ का तो भी ये पे करेगा, 555 करोड़ का लॉस हो गया तो भी ये पे करेगा। पर कंपनी के केस में ऐसा नहीं है दोस्तों, कंपनी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी के केस में जो लायबिलिटी है वो दो टाइप से है, लायबिलिटी है ये दो टाइप से है बेटा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। हाँ, लायबिलिटी लिमिटेड है और लायबिलिटी अनलिमिटेड। देखो, अगर कंपनी को लॉस होता है 5000 करोड़ का, मान लेते हैं चलिए टाटा है, टाटा का मैं शेयर होल्डर हूं, मेरे पास टाटा के शेयर है। अब अगर टाटा को 5000 करोड़ का लॉस हो जाता है तो क्या मैं 5000 करोड़ रुपए मैं दूंगा, क्योंकि मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूं, मैं मालिक हूं, तो क्या 5000 करोड़ रुपए मैं दूंगा जाके टाटा को? अरे बाप रे बाप, रहने दो, तुम शेयर वापस ले लो यार, नहीं ना, है ना, ऐसे तो मैं तबाह हो जाऊंगा यार। अब लिमिटेड के अंदर क्या होता है, लिमिटेड अप टू अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स, एक गारंटी वाला पार्ट भी होता है इसके अंदर, उसको हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। और यह लिख लो, अमाउंट ऑफ गारंटी अंडरटेकन, अंडरटेकन है। अब इस 5000 करोड़ के घाटे में से बेटा, मैंने जब शेयर लिया था तो शेयर था 100 रुपए का, 100 रुपए में से मैंने क्या किया, 50 रुपीज पे कर दिए, 50 रुपीज पे कर दिए, और 50 रुपीज अनपेड है, 50 रुपीज अभी पे नहीं, तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इस 50 रुपए जो अनपेड अमाउंट है उसकी है। याद रखना, इसके अलावा मेरी एक पैसे की भी लायबिलिटी नहीं है, इसके अलावा मुझे अठन्नी भी नहीं देनी है, सिर्फ ये 50 रुपीज देने हैं अनपेड जो मुझे देने हैं ना। हाँ, अभी मैं ये मान के चल 100 रुपीज का एक शेयर था, मेरे पास एक ही शेयर है दोस्तों, 50 रुपए मैंने पे कर चुका हूं और 50 रुपए की पेमेंट मेरी बची है, ठीक है, तो मुझे सिर्फ यही अमाउंट पे करना है, इसके अलावा मुझे एक अठन्नी भी नहीं देनी है टाटा, सिर्फ इतना ही अमाउंट मुझे दोबारा पे करना। अब अगर बात करते हैं अनलिमिटेड वाले की, तो यहां तो लिमिटेड यही रीजन है कि क्यों कंपनी के पीछे लिमिटेड लगाया जाता है, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी है। सर अगर अनलिमिटेड होगा तो अनलिमिटेड लगाएंगे, सर अनलिमिटेड हमने कहीं देखा नहीं है, क्योंकि यहां पे किसी को काट नहीं खाया, जिस किसी का कटेगा वो लगाएगा। अब अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो उसके अंदर नो लिमिट। अगर रिलायंस कंपनी को 5000 करोड़ का लॉस हो गया ना, तो मैं बीइंग एज अ शेयर होल्डर मैं 5000 करोड़ ही दूंगा इसको। हाँ, जो शेयर होल्डर है वो पूरा लॉस का अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, है सर, है, हाँ है, क्या होगा, हाँ तो हाँ है, क्या होगा, जो शेयर होल्डर है वो सारा लॉस का अमाउंट देगा, या तो फिर लिमिटेड अमाउंट देगा या अनलिमिटेड अमाउंट देगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ऑन लायबिलिटी। तो कंपनी के केस में बेटा जो लायबिलिटी है दैट इज लिमिटेड, और पार्टनरशिप के केस में जो लायबिलिटी है, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर जो लायबिलिटी है दैट इज अनलिमिटेड। सर पहले एसेट्स बेचे जाएंगे, हाँ फिनोमिना यही कहता है, जो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है बेटा, अगर लॉस हुआ है, ठीक है, सबसे पहले हम एसेट्स को सेल करेंगे। लॉस हुआ था आपको 5000 करोड़ का, 1000 करोड़ के आपके एसेट्स हो गए, अब आपके पास बचा 4000 करोड़, आपके पास बचा 4000 करोड़। इस 4000 करोड़ में से अब आप शेयर होल्डर के पास जाएंगे, ठीक है, अब आप शेयर होल्डर के पास जाएंगे, भाई अब पैसा दे दो, कंपनी गई ले लो पैसे, ले लो, है ना। आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर हमने बात करनी है, इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस कितना स्टेबल है।
अब प्रोफेशनल क्या पूछेगा, सर ये बताओ स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। अब ये स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस से क्या कहना चाहता है, इसने कहा कि स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस से मेरा मतलब है, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस से मेरा मतलब है कि आपका बिजनेस कितना स्टेबल है। ऐसा तो नहीं है कि आप सीजनल काम करते हो, कि संता बनता अगर सीजनल काम करते हैं। सर सीजनल काम कैसे होता है बेटा, जैसे दिवाली आई तो इन लोगों ने पटाखे रख लिए, क्रैकर्स, 15 अगस्त आती है तो पतंग मांझा बेचते हैं, होली आती है तो कलर्स बेचते हैं, तो सीजनल काम है, ठीक है। आइसक्रीम का काम सीजनल काम है, राइट, सीजनल काम है। स्टेबिलिटी तो लोगों को पता है आजकल, आजकल यार ये फेसबुक पे ये बहुत चल रहा है, क्या कहते हैं सरकारी नौकरी वाला, वो दिखाते हैं तुम्हारे को कि लड़का ऐसा है सरकारी नौकरी है तो ऐसी लड़की मिल गई, देखा तुम लोगों ने, नहीं देखा, चलो आगे कोई बात नहीं, नहीं देखा तो बच्चे हमारे फेसबुक थोड़ा चलाते नहीं होंगे ना, आउट तो बड़े पूछते रहते तुम लोग फेसबुक पे, मैंने तो कभी लॉग इन किया नहीं, मेरे बेचारा टीम वाला बताता रहा सर वो बच्चों ने फेसबुक पर डाउट भेजा, मैंने उसको ईमेल एड्रेस दे दिया आपका। आप देखो आगे चलते हैं बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, कि अगर आपने सोचा कि आप चाय का काम करेंगे तो आप चाय का ही काम करेंगे, आप चाय के बिजनेस से कल को कहीं भाग तो नहीं जाएंगे, ठीक है। कि आपने अगर सोचा कि हम ये वाला काम करेंगे तो मतलब यही वाला काम करेंगे, ठीक है, वही वाला काम करेंगे, आप अपने बिजनेस को चेंज नहीं करने वाले हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स बहुत जरूरी है। अब जो सप्लायर्स हैं, जो सप्लायर्स ऑफ बिजनेस है, सप्लायर्स ऑफ कैपिटल है, जो एक पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं, जो सोचते हैं कि एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, वो लोग क्या क्या देख के सोचेंगे कि यार मेरे को रेगुलर रिटर्न आए और मेरी इनकम स्टेबल रहे, वहां पे जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो स्टेबल रहे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना, एक रेगुलर रिटर्न मुझे आती रहे, ठीक है। सप्लायर्स बेसिकली लुक फॉर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड गुड रिटर्न। सो अब देखो इतनी सी बात है, अगर मैं आपकी बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं दो चीजों के बारे में यहां पे बेटा, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप आपने बनाई, ठीक है, अगर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप बनाई तो अब या फिर आपने पार्टनरशिप बनाई, आपने पार्टनरशिप बनाई तो पार्टनरशिप के केस में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अभी मैं मान के चल रहा हूं सिर्फ दो ही पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर की डेथ हो गई, एक इंसॉल्वेंट हो गया और एक पार्टनर आपका रिटायर हो गया, एक पार्टनर रिटायर हो जाता है या एक्सपेल कर दिया जाता है, उसको एक्सपेल्शन मतलब जैसे क्लास से धक्के मार के बाहर निकाल देते थे ना बच्चों को कि बाहर निकल जाओ तुम बहुत शोर करते हो बाहर निकलो ऐसे, हाँ ठीक उसी तरीके से एक्सपल्शन, रिटायरमेंट, इनसेनिटी, इसी तरीकों से फिर क्या होगा इन केसेस में, पार्टनरशिप क्या होगी, खत्म, जो पार्टनरशिप होगी खत्म हो जाएगी। अब जिस सप्लायर में पैसा लगा रखा है वो बेचारा तो डूब गया, यही होता है ना, अगर आपने किसी इंसान से पैसे लेने हैं और आपको सुबह उठ के पता चलता है कि यार अब वो नहीं रहा, अब वो चला गया, तो क्या आपकी इनकम, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है क्या वो स्टेबल है? नहीं सर, वो स्टेबल नहीं है। उसके बाद झगड़े हो जाते हैं कि यार उसने इतने पैसे लिए थे मुझसे, देखियो वो चला गया, उसके घर वाले मना कर रहे हैं, राइट। सो उस पर्टिकुलर सिनेरियो पे, उस पर्टिकुलर सिनेरियो आपने सोचो, अच्छा देखो एक इंसान है, इस इंसान से 5 करोड़ रुपए लेने हैं, इसने इसको 5 करोड़ का लोन दिया, अगर इसकी डेथ हो जाती है तो ये तो कहेगा अरे यार 5 करोड़ नहीं देने पड़ेंगे, इस इंसान ने यहां पे 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, अगर इसकी डेथ हो जाती है तो अब प्रॉब्लम है, इसने 5 करोड़ का लोन दिया था, वो बेचारा चला गया, अब वो दुनिया में नहीं है, इसकी डेथ हो गई, अब इसकी इन्वेस्टमेंट तो गई, ये तो बेचारा जीते जी तबाह हो गया। बेटा अगर यही इन्वेस्टमेंट इसकी सोल प्रोप्राइटरशिप में ना होकर किसी कंपनी में होती तो याद करो मैंने बताया था कंपनी के अंदर एक फीचर है जिसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, जिसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, कि चाहे कोई मेंबर जिए, चाहे कोई मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, बट द कंपनी कंटिन्यूज, बस बट द कंपनी विल गो ऑन, कंपनी चलती रहेगी। जैसे कि ठीक तुम्हारे मोबाइल फोन्स के अंदर लाइफ टाइम वैलिडिटी है, दोबारा लेके चलता हूँ मोबाइल फोन्स पे,
जैसे लाइफ टाइम वैलिडिटी है बेटा, अगर कोई कॉल आए चाहे ना आए, चाहे मैसेज आए चाहे ना आए, चाहे तुम व्हाट्सएप पे वो ब्लॉक करे चाहे ना करे, पर वैलिडिटी तो चलती रहेगी, वैलिडिटी चलती रहेगी। यही होता है परपेचुअल सक्सेशन। ठीक इसी तरीके से आज मैं शेयर होल्डर हूं, कल को मैं बेच दूंगा कोई और खरीद लेगा, कल को मैं बेच दूंगा कोई और खरीद लेगा, है ना। तो मेंबर्स तो आते जाते रहेंगे, कंपनी चलती है। अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो कंपनी बड़ा से चेंज नहीं होगी, पर अगर वो इंसान है, अगर कोई शेयर होल्डर है, जैसे कि मान लो मैं तुम लोगों की क्लास देते देते मेरे पास अटैक पड़ा और मैं गया, तो क्या रिलायंस कंपनी बंद हो जाएगी, क्या टाटा कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं सर, बंद नहीं होगी, नहीं होगी। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ पड़ी है वहां पे, ठीक है। हाँ चलो थोड़ा सा और आगे चलते, ठीक है, थोड़ा सा और आगे चले बेटा। एक दो लाइनें लिख लो यार, चलो यहाँ पे कंपनी एंड LLP हैव, कंपनी एंड LLP हैव मोस्ट बिजनेस स्टेबिलिटी, दे हैव मोस्ट बिजनेस स्टेबिलिटी ड्यू टू इट्स फीचर ऑफ परपेचुअल सक्सेशन। और ये परपेचुअल सक्सेशन क्यों है? बींग एन आर्टिफिशियल पर्सन, बींग एन आर्टिफिशियल पर्सन। कोई भी आर्टिफिशियल चीज अगर आप खरीदते हैं तो उसका ऐसा नहीं है कि उसकी एक लाइफ है, वो तो हमेशा ही चलती रहेगी। आपके दादा परदादा, अच्छा आपने खट्टा मीठा पिक्चर देखी है, खट्टा मीठा पिक्चर अक्षय कुमार वाली, उसमें वो दिखाता है कि एक घड़ी है, एक घड़ी थी, जब वो अक्षय कुमार को बुलाता है कहता है कि इस नालायक से पैसे ले रहे हैं, इससे घर का काम कराओ और उसके पैसे को उतना हिसाब में काट लिए, तो वो क्या बोलता है, उसके दादा के जमाने की एक घड़ी होती है, वो एंटीक वॉच, वो फोड़ देता है, उसको तोड़ देता है। अब वो क्या कहता है, कहता है भाई देखो इसने ये घड़ी तोड़ दी, 50,000 रुपए की थी मेरे दादा की जमाने की, आर्टिफिशियल चीज है ना तो बहुत लंबा टाइम चलती है, आर्टिफिशियल है, इसलिए दोनों चीजों को लिंक किया गया है। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी के पास क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। अब थोड़ा सा और चलो चले आगे बेटा, दे आर नॉट डिपेंडेंट, they are not dependent on life of members of like partners, members या partners की life के ऊपर ये चीजें depend नहीं होती है। Now moving on to next, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब अगला सवाल जो professional पूछेगा कि सर एक बात बताओ, जो कमाई आएगी वो आप अपने पास रखना चाहते हो या सब में बांटना चाहते हो? नाइन इज डिविजन ऑफ प्रॉफिट। सर कमाई तो हम ही रखना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, कमाई तो सारी हमारे पास ही रही, सर कमाई कैसे देते हैं हम किसी और? अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक बिल्कुल ठीक, कमाई कैसे देते हैं हम किसी और? हाँ सही बात है, पैसा सारा तुमने ही तो कमाया है, है ना। आप देखो दो बातें बेटा इसके अंदर, अगर इफ यू आर बेसिकली रनिंग अ सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे चल रहे हो तो सारा का सारा पैसा आपका ही है, ठीक है। अगर आप सोल प्रोप्राइटर की पे चल रहे हो, इसके लिए प्रॉफिटेबल है एंड एंटरप्रेन्योर डिजायरिंग, जो चाहता है डिजायरिंग टू फुलफिल और फुलफिल और पॉकेट्स, जो चाहता है कि मेरी जेब में 24 घंटे पैसा रहे, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे ही प्रेफर करा जाना चाहिए। पर याद रहे यहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर पर्सनल लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, पर्सनल लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, लायबिलिटी का कोई अंत नहीं है बेटा, द लायबिलिटी इज अन। बट अगर यही सेम इंसान संता बनता चाहते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट्स आर नॉट शेयर, ये प्रॉफिट्स को शेयर नहीं करना चाहता, अगर कोई इंसान प्रॉफिट्स को शेयर नहीं करना चाहता है अगर कोई पर्टिकुलर इंसान, तो लॉ कहता है कि सर आप उसे कहें कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप में जाए। अब अगर वो इंसान इफ ही इज विलिंग टू शेयर प्रॉफिट्स,
willing to share profits. अगर वो profits को share करना चाहता है, अगर वो सच में चाहता है कि हाँ भैया जो पैसा आ रहा है उसको मैं किसी और के साथ बांटूं, क्योंकि मेहनत वो दूसरा इंसान भी कर रहा है. अब जैसे एबीसी, मैंने आपको बताया था एबीसी एक फॉर्म है, बेटा सब लोग मेहनत कर रहे हैं तो पैसा कैसा होगा, पैसा सब लोगों में डिवाइड. ठीक है, अब दिस कैन बी इनटू कंपनी विलिंग टू शेयर प्रॉफिट्स, दे कैन गो फॉर कंपनी, राइट, दे कैन गो फॉर कंपनी. नाउ अब क्या होगा, कंपनी पे सब रिटर्न आएगी, बिल्कुल आपने कहीं पे पैसा लगाया है तो वहां से रिटर्न तो बिल्कुल आती है. ठीक है, आप देखो बेटा जैसे क्या होता है कि अब चलो एबीसी वो थे, अब एक्स वाई जेड क्या है, दीज आर शेयर होल्डर्स, दे आर शेयर होल्डर्स इन अ पर्टिकुलर कंपनी. पार्टनरशिप दोनों के लिए ऑप्ट कर सकता है वो इंसान, कंपनी पार्टनरशिप होगी तो एबीसी को वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल है, उसमें डिवाइड करना ही पड़ेगा. अब एक्स वाई जेड जो शेयर होल्डर्स हैं, एक्स वाई जेड जो शेयर होल्डर्स हैं, जब इन्होंने कंपनी में पैसा लगाया तो जब कंपनी जब इन लोगों ने पैसा लगाया, इन लोगों ने कितना पैसा लगाया, टोटल मिला के 10 लाख लगा. अब जब ये रिटर्न लेने के लिए गए तो कंपनी ने कहा ये रही रिटर्न, लो लो रिटर्न, तो ऐसा होगा क्या, नहीं, जो इन्होंने पैसा लगाया है इसके बदले में इनको रिटर्न मिलेगा. रिटर्न आती है बेटा डिविडेंड की फॉर्म, डिविडेंड रिमाइंडर मैथ वाला नहीं है ये, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज डिविडेंड. जो आपने पैसा लगाया है, जो आपने पैसा लगाया है वो सारा का सारा पैसा आपके उसके ऊपर जो रिटर्न आएगी वो डिविडेंड के फॉर्म में. अच्छा अब एक बात बताओ ईमानदार से, थक तो नहीं है तुम लोग, थक गए हो तो बेटा यहाँ पे पॉज कर लो, फिर इसको ब्रेक लेके फिर आगे चलेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 तो हाँ लगभग 5-6 पॉइंट और बचे हैं, उसके बाद चैप्टर ही खत्म हो जाएगा. चैप्टर खत्म कर दोगे एक क्लास में, सर 40-40 मिनट्स का कर लो, 40 मिनट के बाद तुम लोग ब्रेक ले लो, क्या यार कैसी बात कर लो छोटे बच्चों वाली. ठीक है, अब एक काम करो ब्रेक ले लो आराम से 2-4-5 मिनट का, उसके बाद दोबारा मिलो. हाँ पॉज कर लो, मैं यही कहूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, पॉज एक घंटा होगा, बेचारा बच्चा थक गया होगा, फोन चला लो कि अपना मैसेज आ गया तुम्हारे वाला तुम्हारे वाली. जो हम देख रहे हैं इन सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा ऐसा है जिसमें कॉस्ट सबसे कम लगने वाली है, ये है अगला वो एस्पेक्ट. ये कौन पूछेगा, प्रोफेशनल पूछेगा या सामने वाला, ये तो संता बनता ही पूछेगा, भैया थोड़ा सस्ते वाला देखो, है थोड़ा सा सस्ते वाला. अब इसने इनसे पूछा कि एक बात बताओ किसके अंदर कॉस्ट कम, प्रोसीजर कम, गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत कम है, पता चले जिसके अंदर सरकारी कामकाज सबसे ज्यादा कम है, जिसके अंदर कॉस्ट सबसे ज्यादा कम लगे, पता चले कंपनी बनाने के अंदर ही आपको 5 लाख रुपए लग गए तो आपके पास सेल टोटल 5 लाख रुपए, कंपनी तो बन के हो गई. जैसे क्या हुआ था वो कौन सी पिक्चर थी यार, चार दोस्त होते थे जिसके अंदर सारे गड़बड़ घोटाले वाले काम करते रहते थे, पड़ोस में एक लड़की भी आई थी रहने, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, याद है तुम लोग कौन सा पिक्चर, कोई बात देखो एक पिक्चर है जिसके अंदर हीरोइन जो है वो तनुश्री दत्ता है, एक वो है राजपाल यादव है, बाकी 3 लड़कों का मेरे को नाम याद है. तो वो होता थे है ना, सामने लड़की आती थी रहने, फिर उससे पहले वो बिजनेस करने के लिए सोचते थे, उधारी पे 2.5 लाख रूपये लेते थे, 2.5 लाख रूपये के अंदर दुकान ले ली, उन लोगों ने अब कोई बचा ही नहीं है, बैंक लोन देन से बना कर दिया. तो एक इंसान 5 लाख रूपये लेके एक प्रोफेशनल के पास आया कि सर मेरे को एक कप, चलो 1 लाख रूपये लेके एक प्रोफेशनल के पास आया, तो उसने क्या किया 1 लाख रूपये के, ठीक है कंपनी बोल दी 1 लाख रूपये मेरी फीस, बाकी पैसे जाओ तुम बिजनेस शुरू करो, राइट. सो ऐसे ही चीज जिसके अंदर कॉस्ट प्रोसीजर गवर्नमेंट रेगुलेशन सबसे ज्यादा कम है वो कौन सी है. अब देखो बेटा सबसे पहली है सोल प्रोपराइटरशिप. सोल प्रोपराइटरशिप जो है दे आर इजीएस्ट टू स्टार्ट, दे आर इजी एंड चीपेस्ट टू स्टार्ट.
कोई भी काम को स्टार्ट करना है तो ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा सस्ती पड़ती है. क्यों? क्योंकि पहली बात, उसके बाद देयर इज नो गवर्नमेंट रेगुलेशन. नाउ उसके बाद क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, दैट इज ऑप्शनल. थोड़ा सा और आगे चलते हैं. इफ यू टॉक अबाउट पार्टनरशिप, इफ यू टॉक अबाउट पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के अंदर क्या है? पार्टनरशिप्स आर बेसिकली दे आर ऑल्सो क्वाइट सिंपल. कुछ नहीं करना होता है, बस एक एग्रीमेंट बनाना होता है. एग्रीमेंट एग्रीमेंट क्या होता है सर? एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डील. इट मीन्स अ रिटन डॉक्यूमेंट. चाहिए होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओरल डॉक्यूमेंट भी चल जाता है. पर जो आपकी इनकम टैक्स अथॉरिटी है ना, वो हमेशा रिटन डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगी, ओरल डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगी बेटा. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. एनीथिंग एल्स लेफ्ट? ओके, प्रोसीजर इज ऑल्सो वेरी सिंपल. प्रोसीजर इज सिंपल, बट बेटा यहां पे लिख लेना प्रेफरेबल है. दोनों में टाइप के डॉक्यूमेंट चल जाते हैं, बट प्रेफरेबल पार्टनरशिप केस के अंदर, क्योंकि जब भी आप जाते हो आप अपना जीएसटी लोगे, ठीक है, जीएसटी लोगे ना, हाँ, तो उसके अंदर आपसे रिटन डॉक्यूमेंट मांगेगा, ओरल नहीं. और अगली बात बची कंपनी की. कंपनी के अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशन ही बहुत सारी, जी भर के गवर्नमेंट रेगुलेशन इसके अंदर इन्वॉल्व. सो देयर इज दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड. दुनिया जहान की डिक्लेरेशंस, सेल्फ डिक्लेरेशंस, एफिडेविट, उसके बाद आपका क्या कहते हैं इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म्स वगैरह, सब कुछ यहाँ पर चाहिए. इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड डिसॉल्व्ड बाय लॉ. क्रिएटेड बाय लॉ, डिसॉल्व्ड बाय लॉ. लॉ ही इसका कर्ता धर्ता है, लॉ ही इसके लिए भगवान है, लॉ ही इसको जीवन देता है और लॉ ही इसको मृत्यु ही देता है. सर क्या साथ वो आस्था वाला चैनल चला रहे, ठीक है, इट पॉज करो, यहाँ पे पॉज करो. इट ऑपरेट्स एज पर प्रोविजन ऑफ लॉ, ऑपरेट्स एज पर एक्सप्रेस लॉ. जैसा लॉ में लिखा है ये ठीक उसी तरीके से ही चलेगी, उसके अलावा किसी भी तरीके से नहीं चलेगी. ओके, नाउ मेनी कंप्लायंसेस ऑन क्लोजर, मेनी कंप्लायंसेस ऑन क्लोजर. जब आपका बिजनेस बंद होगा ना बेटा, तो भी आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको करनी पड़ेंगी अगर आपका बिजनेस बंद होता है. और अगली बात, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज. जो ड्यूज हैं आपके, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज में लैंड कंपनी इनटू लिक्विडेशन. लैंड कंपनी टू लिक्विडेशन. सो अगर आपने ड्यूज की पेमेंट नहीं की है तो वो क्या कर सकता है? आपकी कंपनी को लिक्विडेशन में लेकर जा सकता है. सर ऐसा भी हो सकता है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 ये आ चुका है. वैसे ये इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के लिए भी है, दोनों पे अप्लाई होता है. इसके अंदर चार चैप्टर्स हैं ओवरऑल, आप जाएंगे फाइनल में तो आपको देखने को मिलेगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. मान लिया की स्टोरी बताई जाती है वहां कि वो मान लिया जो पैसा लेकर भागा भाई वो पैसा कांग्रेस के नाम से सारे के सारे कांग्रेस से मिले हुए थे और उसी के चक्कर में ये पैसा लेकर. ठीक है, चले आगे. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. अब अगली बात वो बहुत जरूरी, जो पॉइंट तुम्हारे लिए भी बढ़िया है, आगे चल के पढ़ोगे टैक्स में, बट तेरा सा और बता दो. अब संता और बताएगा, अरे ये तो बताओ कि टैक्स कितना देना पड़ेगा भैया, टैक्स कहाँ पे कम देना पड़ेगा, व्हाट आर द टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑन दीज वेरियस थिंग्स. टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या क्या होने वाली. अब ये टैक्स इम्प्लीकेशंस अगर आप बात करें बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप की, मैं यहाँ पे किसी डिडक्शन के बारे में आपसे बात नहीं करूंगा. डिडक्शन इज समथिंग विच यू गाइस आर गोइंग टू कवर योर इनकम टैक्स. ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में,
तो जो भी इंडिविजुअल है उसके ऊपर जो नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब रेट्स होते हैं, इनकम टैक्स स्लैब रेट्स जो होने वाले हैं, स्लैब रेट्स होते हैं ना, वो अप्लाई होते हैं मोटा मोटा अगर हम देखें। चलो एक आधा मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। अगर इस इंसान की एज इज लेस देन 16 इयर्स, तो सीधी सीधी बात है बेटा, अगर इसकी जो भी इनकम हो रही है, मैं एक लेकर चल रहा हूँ फॉर असेसमेंट ईयर 2018-19, ये आपका असेसमेंट ईयर है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2017-18 प्रीवियस ईयर जिसमें आपने इनकम कमाई, असेसमेंट ईयर जिसके अंदर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो 250,000 रुपए तक इसकी इनकम, इसके ऊपर टैक्स क्या है, नील। फ्रॉम 250,000 से लेकर 500,000 तक इसके ऊपर टैक्स क्या है, 10%। तो 500,000 की इनकम से लेकर 1,000,000 की इनकम तक इसके ऊपर टैक्स क्या है, 30%। सॉरी 20, ये 20 है और 1,000,000 से ऊपर 30, अबव 10,00,000 30%, ठीक है। 1,000,000 से ऊपर जो भी आपकी इनकम जा रही है उसके ऊपर आपके पास क्या है, क्या हिसाब किताब है, दैट इज 30% फॉर द टैक्स। अब ये तो वो हिसाब किताब है जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अप्लाई होता है। अगर संता बंदा क्या करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं जिसके अंदर संता चलाता है और बंदा खाली बनाता है, ठीक है, संता चलाता है और बंदा बनाता है। अब इन्होंने क्या करा, अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म पे जाते हैं, अगर ये पार्टनरशिप के लिए जाते हैं तो पार्टनरशिप के ऊपर क्या क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होने वाली है, देखो बेटा पार्टनरशिप के अंदर बेसिकली दो कैटेगरीज फॉल करती हैं, एक वो होती है जो रजिस्टर्ड होती है और एक होती है अनरजिस्टर्ड, एक रजिस्टर्ड होती है और एक होती है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के बारे में हम बात करें तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप का मतलब होता है हु हैव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हु हैव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम, जिनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है कहाँ से, फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जैसे कंपनीज के केस में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स अवेलेबल है, फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है वहां से आपके पास क्या अवेलेबल है, वहां से आपके पास एक सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इनकम टैक्स एक्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो उसने भी बोला पार्टनर्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म, और जिस नाम के अंदर उसके बाद उनके पास ये सर्टिफिकेट है जो उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, दैट इज देयर फर्म नेम, वो उनका फर्म नेम कहा जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा, अब पार्टनरशिप फर्म्स को अगर हम मोटा मोटा बात करें तो इनको 30% टैक्स देना पड़ता है, टैक्स एट द रेट ऑफ 30% ऑन टोटल इनकम। अब उसके बाद सरचार्ज अप्लाई हो जाता है, सरचार्ज अप्लाई हो जाता है एट 12%, एट 12%। अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है, इनकम एक्सीड 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपकी इनकम हो जाती है तो आपके ऊपर सरचार्ज अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट टू मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ इज समथिंग विच यू आर गोइंग टू कवर, विच यू आर गोइंग टू लर्न इन टू योर टैक्स, मार्जिनल रिलीफ अंडर सेक्शन 87A, ये आप पढ़ोगे, ये आप इसमें से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो दो टाइप की बेटा ये टैक्स हो गए। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलता हूं, अभी दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, ये पहला टैक्स था जो आपके ऊपर अप्लाई हुआ, फिर सरचार्ज आप पे अप्लाई हुआ, फिर वो कहता है इसके बाद इनको एजुकेशन सेस पे करना है एट द रेट 2% प्लस सरचार्ज जो आप पे अप्लाई हो रहा है, तो SHEC सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस 1% प्लस सरचार्ज, अगर अप्लाई हो रहा है ऊपर तो सरचार्ज, अप्लाई नहीं हो रहा है तो नहीं। उसके बाद अगली बार अब मेंशन, अच्छा अब ऊपर का ये वाला जो सरचार्ज है ऊपर आपका वो होता 12%, यहाँ पे 1% है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सो दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे, दे आर ऑल्सो Required to pay AMT. AMT क्या है सर? AMT is alternate minimum tax.
alternate minimum tax. So alternate minimum tax is something which you are going to cover into income tax section number 115 JJB at 18.5% of adjusted total income. ये computation है बेटा जो paper के अंदर हमेशा आता है, तुम्हारे tax के paper के अंदर तुम्हारे को बेटा हमेशा मिलेगा ही adjusted total income. ठीक है? Of adjusted total income. This is what your AMT basically is known as. अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं. पार्टनरशिप के बारे में पता चला. अगली बात, अगर संता बनता क्या करते हैं, अगर संता बनता कंपनी होते हैं, आप देखो टैक्सेशन कंपनी, मैं डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहा हूँ, फॉरेन कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी की अगर आपसे बात कर रहा हूँ, अगर तो एट 30% आपका टैक्स लगेगा. 30% सीधा सा 25% हो जाएगा इफ एफ 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 turnover does not exceed, if turnover or gross receipt does not exceed 50 crore rupees. 25-30% hai wo 25 ho jayega agar aapka turnover ya gross receipt 50 crore se zyada nahi hai to. ठीक है, अब उसके बाद अगली चीज और जो चीजें एडिशन में आ रही हैं वो क्या है बेटा, सरचार्ज सीधा सीधा अप्लाई होता है एट द रेट ऑफ 7%. सर 7% हाँ, 12% भी है, एट द रेट ऑफ 12%. 7% कब तक, अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है, इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ से ज्यादा आपकी इनकम हो जाती है बट बिलो 10 करोड़. 1 करोड़ से ज्यादा है बेटा और 10 करोड़ से कम है तो सरचार्ज कितना लगेगा, 7%. ठीक है, और सेम सरचार्ज आपका 12% हो जाएगा इफ योर इनकम एक्सीड्स 10 करोड़. ये कंपनी के ऊपर, हाँ कितनी दुखी बात है ना, कितनी दुखी बात है. उसके बाद है ना, देखो उसके बाद ईसी तो लगी रहा है, एजुकेशन सेस तो वो तो लगेगा ही, एजुकेशन सेस वो तो लगेगा ही. उसके बाद SHEC ये भी लगी रहा है, एजुकेशन सेस इज रिवाइज एट द रेट ऑफ 2% प्लस सरचार्ज ये लगेगा, और ये लगेगा एट द रेट ऑफ 1% प्लस सरचार्ज. सर ये सरकार कितना टैक्स ले रही है, सर कितना टैक्स ले रही है बेटा, यही तो सारी गेम है. अब सोचो इतना टैक्स भरने के बाद भी तुम्हारे को सामान जो है किराने की दुकान से सस्ता दे देता है ऑनलाइन को, कैसे? ये तो मोटा मोटा अगर तुम लोग हिसाब लगाओगे कि अगर सील बेटा 100 रुपए की है तो 130 की तो अपने आप हो गई, और ये 30 रुपए कंपनी जेब से थोड़ी भर रही है, तुम्हारी जेब से निकल रहे हैं. हाँ, अगर इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, जीएसटी है ना. ये तो मैं सीधे सीधे बेटा इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ अभी, कि कंपनी को अपनी इनकम पे इतना टैक्स देना है. अभी मैं इनडायरेक्ट टैक्स की तो बात ही नहीं कर रहा, इनडायरेक्ट टैक्स की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, इसको तो छोड़ दिया हमने, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं. अगर आपकी कंपनी ने पैसा कमा लिया तो भैया इतना पैसा हमें दे दो, मोटा मोटा 1/3 आपकी इनकम का गवर्नमेंट ले जाती है, अगर हम पूरी कैलकुलेशन ना करें, एक रफ कैलकुलेशन करें, जितना आपने कमाया आपने साल भर के अंदर 3 करोड़ कमाया, 1 करोड़ सरकार को दे दो चुपचाप, सर नहीं देंगे तो फिर गए, रेट बढ़ जाएगी. कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी वो आता ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आओ देखते हैं ये कितना टैक्स भरते हैं. अगर इनकी इनकम बेटा देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है तो उसमें कोई बहुत बड़ा एस्पेक्ट नहीं होता इनकम का, वहां पे वो सिर्फ और सिर्फ लोग रह रहे हैं, एक सोशल कॉज के लिए चल रही है. अगर इनकम है अप टू 10,000 तो 10%. ठीक है, अगर 10,000 से 20,000 के बीच में है तो 20%, और अगर अबव 20,000 है तो 30%. ठीक है, हाँ उसके अलावा इसके एडिशन में क्या क्या लगता है, सरचार्ज लगता है.
सरचार्ज मिलता है. अगर आप सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12% इफ इनकम एक्सीड्स 1 करोड़, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो आपको ये लगता है माइनस मार्जिनल रिलीफ इफ एनी. अगर आपको कोई मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है तो आप मार्जिनल रिलीफ की क्लेम कर सकते हैं. 87A के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, टैक्सेशन की शुरू की क्लासेस के अंदर ही ये आ चुका होगा. नहीं आया है तो बेटा चेक करो, अपने टीचर को एक बार बताओ कि ये चीज रह गई है. ईसी और SHEC, ईसी इज एट द रेट ऑफ 2% प्लस सरचार्ज. अच्छा बेटा एक मिनट, ईसी और SHEC जो है ना ये इनकम पे नहीं है, टैक्स पे लगते हैं. जो आपका टैक्स कंप्यूट हुआ है उसके ऊपर आता है ये, बाकी चीजों पे नहीं आता है. ठीक है, एट द रेट ऑफ 1% प्लस सरचार्ज, एट द रेट ऑफ 1% प्लस सरचार्ज. क्या बात है, मजा आ गया देखते हैं, मजा आ गया. अगली चीज, अगला सवाल. सर यही चीज एक है जो हमारे को याद रहेगी, मोटा मोटा बता. अच्छा ऐसी चीज, वैसे तुम टैक्स में भी दोबारा से पढ़ोगे. अब अगली चीज जो सवाल बीच में आता है वो प्रोफेशनल पूछेगा कि सर आपको जियोग्राफिकल मोबिलिटी कैसी चीज, जियोग्राफिकल मोबिलिटी. जियोग्राफिकल मोबिलिटी सुनता जी ने कहा ये क्या होती है, जियोग्राफिकल मोबिलिटी मोबाइल है क्या कोई, जियोग्राफिकल मोबाइल जिसके अंदर जियोग्राफी पढ़ाते हो सर? नहीं. सो अब देखो, इट मीन्स द प्रोडक्ट और सर्विस मेड अवेलेबल या फिर और आसान भाषा में लिखें तो मैन्युफैक्चर. जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस आप क्या करना चाहते हैं बेटा, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या उस पर्टिकुलर सर्विस को. जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, जो भी सर्विस आप देना चाहते हो लोगों को, उसके ऊपर ये पूरी कहानी डिपेंड करती है. ठीक है, अब देखो, अगर आप एक लोकल मार्केट को कवर करते हो, जैसे एक इंसान क्या करता है, एक इंसान राजमा दाल मखनी बहुत बढ़िया बना, एक इंसान दाल मखनी बोलता है, अब वो दाल मखनी भेजना चाह रहा है, दिल्ली से भेजेगा और केरला जाएगी, खराब हो जाएगी रास्ते में. सर कच्ची भेजना नहीं, बना के भेजना यार. लोकल मार्केट सीजनल प्रोडक्ट और पेरिशेबल गुड्स. सो इन सब केसेस के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप इज प्रेफरेबल. अगर आप ऑल ओवर इंडिया जाना चाहते हैं, तो उन केसेस के अंदर यू आर गोइंग टू बेसिकली हैव अ कंपनी प्लस प्रो, क्योंकि आपको कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करनी, प्रोवाइड कस्टमर सर्विस. अगर आप ऐसी सिचुएशन पे इतने बड़े स्केल पे खेलना चाहते हो तो आपको कस्टमर सर्विस तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, वो भी हर हाल में प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी अगर आप इतने बड़े स्केल पे. थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा, पॉज करो यहाँ पे, पॉज. अब इसने पूछा कि यार कल को अगर हम अपना बिजनेस बेचते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, अगर कल को हम अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जो हमारे पास ओनरशिप है हमें नहीं चाहिए, हम बिजनेस से दुखी हो गए, अब हम सोचते हैं संन्यास ले लें, 2-4 साल बिजनेस चलाने के बाद अगर हम उसको बेच देंगे तो फिर कैसा रहेगा सब. इसने प्रोफेशनल से पूछा, प्रोफेशनल ने कहा देखो अब इसके अंदर दो बातें आती है. अगर आप 1-person entity है तो मुश्किल हो जाएगा. 1-person entity दो फॉर्म्स में होती है बेटा, या तो OPC या तो फिर सोल प्रोप्राइटर. यही एक इकलौता इंसान होता है जो प्रॉफिट्स को एंजॉय कर रहा है और जो लॉसेस को भी शेयर कर रहा है. अब ये अगर एग्जिट मारता है, तो सीधा सीधा एंड हो जाएगा सब कुछ. ठीक है, 1-person entity है यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप है या OPC है.
अगर ये इंसान बिजनेस को बंद करता है तो सब कुछ एंड खत्म। उसके बाद अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, जहाँ पे दो या दो से पार्टनर ज्यादा पार्टनर है और एक पार्टनर एग्जिट करता है, एक पार्टनर अगर एग्जिट कर जाता है यानी कि अपना शेयर जो है वो बेच जाता है, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, एक पार्टनर एग्जिट कर गया जिसका नाम था राम, राम रिटायर हो गया, अब श्याम एडमिट हो गया, श्याम का एडमिशन हो गया, उसकी रिटायरमेंट थी तो उसका एडमिशन हो गया, तो आपका बिजनेस चलता रहेगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस के अंदर बेटा आपका बिजनेस चलता रहेगा, एक पार्टनर जा रहा है दूसरा पार्टनर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस डेट से राम गया उसके बाद श्याम आ गया ना, ठीक है, तो आपके बिजनेस की जो ऑनरशिप है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे राम ने अपने शेयर श्याम को सेल कर दिए होंगे, या राम ने किसी और को सेल किया उससे श्याम पे आ गया, राम ने फॉर्म को दिए फॉर्म से श्याम के पास आ गया, ठीक है, थोड़ा सा और आगे सुनते हैं। अब कंपनी, कंपनी के केस के अंदर जो मेरे पास शेयर्स हैं, शेयर्स हैं, क्या ये शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं? हाँ सर, बहुत इजी हो सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफरशिप, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इज वेरी इजी, वेरी इजी। मैं फटाफट से लॉग इन करूंगा, रेट देखूंगा स्टॉक एक्सचेंज पे क्या लग रहा है, बस क्लिक करूंगा सेल हो जाएगा, ठीक है, ओके, आई समझ, क्योंकि यहाँ पे बेटा बहुत इजी है, क्योंकि दीज थिंग्स आर बेसिकली, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, एक लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा हूँ, वो कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे यानी कि बीएससी या एनएससी पे लिस्टेड है। टाइप्स ऑफ कंपनी में जब हम पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल बताऊंगा बेटा, कुछ चीजें भी चेक करवाऊंगा कि कैसे हो रही है, कैसे हो रहा है, ठीक है, चले आगे। नाउ मूविंग ऑन टू मैनेजीरियल नीड्स, मैनेजीरियल नीड्स, सर अभी भी है तुम लोग देख, कोई बात नहीं, बस बेटा एक दो पॉइंट और है। मैनेजीरियल नीड्स, सर पूछे कि आपकी मैनेजीरियल नीड्स क्या है, क्या आप कैसा मैनेजमेंट प्रेफर करना चाहते हैं? मैनेजीरियल बेसिकली नीड्स जो होती है वो बहुत जरूरी है एक बिजनेस के लिए, अगर आपके पास अच्छा मैनेजमेंट है तो आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, अगर आई नहीं तो क्या करो, ओके। अब देखो, अगर स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया, तो सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि एक इंसान बहुत होगा मैनेज करने के लिए, एक इंसान बहुत होगा मैनेज करने के लिए, स्मॉल छोटा सा एरिया है, लोकल नीड्स को आपको कवर करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल है, ठीक है। सम मोर एरियाज, कुछ ज्यादा एरियाज आपने कवर कर लिए हैं, मोर एरियाज, मोर एरियाज अगर आपने कवर कर लिए हैं तो दैट मीन्स अगर आप जाना चाहते हो तो आपको पार्टनरशिप पे जाना चाहिए, और अगर आप लार्ज स्केल पे जाना चाहते हो, लार्ज स्केल पे जाना चाहते हो, आपको बड़ा मैनेजमेंट चाहिए तो आपको कंपनी पे जाना चाहिए, ठीक है। लोकल नीड्स पे है तो बेटा मैन कौन मैनेज कौन करेगा, मैनेज करने के लिए आपको कितने लोग चाहिए, ये किस पे डिपेंड करता है, अगर छोटा सा एरिया है तो सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत है, अब बिजनेस बहुत ज्यादा एरियाज पे फैलता है, थोड़े से ज्यादा लोग आपको चाहिए होंगे उन एरियाज में फंक्शन करने के लिए, तो आप पार्टनरशिप पे चले जाओ। अगर लार्ज स्केल बेसिस पे चाहिए आपको, कुछ स्पेशलिस्ट चाहिए हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, तो कंपनी ठीक रहे, लार्ज स्केल जहां पे इन्वॉल्व स्पेशलिस्ट, जहां पे कुछ स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व हैं, जहां पे कुछ और भी लोग आपको रिक्वायर। चले बेटा आगे, आगे हाँ, एक दो पॉइंट, बस एक दो पॉइंट देखो। अब अगली बात यहाँ पे कि सीक्रेसी क्या है, क्योंकि बिजनेस के अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं जो चलते हैं, बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो चलते हैं। अब ये कहेगा कि यार मेरे बिजनेस के अंदर, अब जैसे कोक है या पेप्सी है, कोक पेप्सी जो है, अगर इसका फॉर्मूला किसी को पता चल जाए तो घर घर में लोग कोक पेप्सी बना लेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला ही तो नहीं पता चलता, वो यूएस से पाउडर बना के भेजते हैं, कहते हैं ये पाउडर है इसको डाल दो छुट्टी, है ना। अब आपके बिजनेस के अंदर हर एक चीज बहुत सीक्रेट होती है, अगर एक इंसान को पता चल जाए कि संता बंता का माल की जो रॉ मटेरियल यहां से आता है, ठीक है, उसको बनाने के बाद ये यहां पे इस एरिया में जाके सेल करते हैं, तो गए उस पर्टिकुलर बंदे को अगर सब पता चल जाए, अगर इन्होंने दुकान पे एक छोटू रखा,
इन्होंने दुकान पे एक छोटू रखा, उस छोटू को सब पता चल जाएगा कि संता बनता क्या वहां से डूब जाते हैं और वहां पे जाते हैं, तो उसको सब पता चल जाएगा। जब सब पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा, क्या होगा, वो छोटू कल को जाके इन्हीं का कॉम्पिटिटर बन के भी जाना शुरू कर देगा इनको, है ना। क्योंकि बिजनेस के अंदर सीक्रेट्स बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कहाँ से गुड्स ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या रेट पे आपको गुड्स आ रहे हैं। अगर ये सब आपके कॉम्पिटिटर को पता चल जाएगा बेटा तो वो आपको तबाह कर देगा, ठीक है। Secrecy is of supreme importance. जहां पे जितने ज्यादा सीक्रेट्स हैं, जितने ज्यादा सीक्रेट्स हैं, तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जाता है, कहता है यार जो भी पता है मुझे ही पता है और किसी को पता ही नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप पे जाता है, ठीक है। फॉर टू रिटेन सीक्रेट्स, कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर वो शेयर नहीं करना चाहता, अगर आपकी कॉलोनी के अंदर कोई इंसान होगा जो बहुत फेमस होगा, जैसे एक की दुकान है वो चाहे हलवाइया है चाहे कुछ भी है, वो बहुत फेमस है, अगर आपको पता चल जाए कि कैसे बना रहा है, क्या फिनोमिना क्या है बनाने का, क्या 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 यूज कर रहा है, तो आप खुद ही नहीं बना लोगे करके बैठे, है ना। अब अगर हम पार्टनरशिप पे जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा, have to carefully examine whether partner maintains secrecy or not. वो पार्टनर सीक्रेसी मेंटेन कर रहा है या नहीं। अब तीन पार्टनर हैं, ए बी सी, ए भी ठीक है बी भी सी है, सी जो है ना वो आधा जनानी है, उसके पेट में कोई बात नहीं बचती, हाँ वो जाके सबको सब बता देता है, बिजनेस का सीक्रेट भी बता दिया है। अब अगर कंपनी की बात करें, तो बेटा ये जो सीक्रेट्स हैं ये तो और ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। सीक्रेट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब जो भी इंसान कंपनी के अंदर आ रहा है वो सब देख पा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एक इंसान अगर एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे ऑनर्स तो बिल्कुल साइड पे हैं, और सारी की सारी कंपनी चलाने के लिए किसको दी हुई है, मैनेजमेंट को। अभी मैनेजमेंट के पास सारा कंट्रोल है, मैनेजमेंट के पास सारी चीजें अवेलेबल है, अब ये मैनेजमेंट ही सारा कुछ जानता है, ठीक है। अब इस मैनेजमेंट के अंदर दुनिया जान के लोग हैं। अगर कोई इंसान, अब जब तुम लोग ट्रेनिंग पे भी जाओगे ना, ट्रेनिंग पे, इंटर्नशिप पे जाओगे ना, तब तुम लोगों को पता चल जाएगा कि भैया कंपनी के अंदर ये चीज कॉन्फिडेंशियल है, सेंसिटिव है। जब मैं अपनी इंटर्नशिप पे गया तो मुझे पता चला कि ऐसी ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, बाहर बता दो तो भाई साहब ऐसी ही चीजें होती। आपको पता होगा कल आपकी कंपनी के शेयर का रेट चढ़ने वाला है, तो इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस के अंदर ट्रेनीज को भी इंक्लूड कर दिया गया है। बस जाओगे 25 करोड़ या 30, 25 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए, और 25 रुपए लेंगे तुम लोगों से, 25 करोड़ या 30 जितना कमाया है उससे ज्यादा, ठीक है। अब बेटा अगला पॉइंट एक और है जो है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब यहाँ पे 15 अगस्त से या आजादी से नहीं है। इंडिपेंडेंस का मतलब यहाँ पे 15 अगस्त की आजादी से नहीं है, ना ही पतंग उड़ाने से है, ना ही तिरंगा झंडा फहराने से। यहाँ के पे इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर कोई इंसान है तो अगर वो अपने बिजनेस के अंदर बिजनेस डिसीजंस की इंडिपेंडेंस का मतलब है, बिजनेस डिसीजंस। बेटा देखो सिंपल सी बात है, अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आप अकेले ही मालिक हो, तो बहुत फ्लेक्सिबल है, बिजनेस डिसीजंस आर फ्लेक्सिबल, बिजनेस डिसीजंस बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं और बहुत ही इजी है डिसीजंस को लेना। पर अगर आपकी पार्टनरशिप है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। पार्टनरशिप फर्म अगर आप चला रहे हैं तो उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि आपको फ्रीडम मिल जाए, है ना, दिस इज लिटिल बिट फ्लेक्सिबल, रिक्वायर्स कॉपरेशन,
कॉपरेशन लिख रहे हो या अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टनर्स? अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टनर्स. नेक्स्ट, सो प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया. अगर कंपनी की बात करूं तो कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना इज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बेटा यहाँ पे मैनेजमेंट है, यहाँ पे मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट कोई भी बड़ा डिसीजन लेना अगर चाहेगा ना तो कंपनी के ऑनर से पूछना पड़ेगा उसको, यानी कि शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा. अगर छोटा सा डिसीजन ले रहा है कोई बात नहीं, बड़ा डिसीजन ले रहा है तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा. आप लोगों ने कंपनी जैक्ट में बहुत बार पढ़ा है कि दैट रिक्वायर्स ये वो दुनिया ध्यान की चीज है. अब बेटा देखो, अब एक बात को ध्यान से समझना, ये जितनी बातें हमने यहाँ पे लिखी हैं, ये सेम बातें पेपर में डिफरेंस बिटवीन करके पूछ लेगा तो घबराना नहीं है. आपने डिफरेंस बिटवीन बीसी में करा दिया, फैक्टर्स बीसी में करा दिए, चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीसी में करा दिया. बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाएगा पेपर के अंदर. देखो, अगर वो आपसे पूछता है कि सोल प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, घबराना नहीं है. देखो, तुम लोगों ने अभी किया कि सोल प्रोपराइटरशिप में बिजनेस डिसीजन फ्लेक्सिबल है, पार्टनरशिप में थोड़ा कम फ्लेक्सिबल है. ये देखो, सीक्रेसी. सोल प्रोपराइटरशिप के अंदर प्रॉपर सीक्रेट्स होते हैं, पार्टनरशिप के अंदर थोड़ा सा क्रिटिकली एग्जामिन करना होता है. मैनेजरियल डिसीजंस कैसे मैनेज होगा, स्मॉल एरिया है तो सोल प्रोपराइटरशिप को प्रेफर करना है, बड़ा एरिया है तो पार्टनरशिप. थोड़ा और पीछे चलते हैं. देखो, टैक्स रेट्स सोल प्रोपराइटरशिप के अलग है और पार्टनरशिप के अलग है. ठीक है बेटा. कॉस्ट सोल प्रोपराइटरशिप की अलग है और पार्टनरशिप की अलग है. डिविजन ऑफ प्रॉफिट सोल प्रोपराइटरशिप में अलग है और पार्टनरशिप में अलग है. यहाँ पे अकेला इंसान अपनी प्रॉफिट को जेब में रख रहा है और यहाँ पे हमने पार्टनरशिप में देखा था कि डिवाइड हो रहा है. स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस सोल प्रोपराइटरशिप के अंदर पार्टनरशिप के अंदर ये सेम है, इसको कवर मत करना. नहीं, सेम क्यों है? एक पार्टनर की डेथ होगी, इंसॉल्वेंट हो गया, तो यहाँ पे वो पॉइंट भी लिख सकते हो कि एक पार्टनर जा रहा है और दूसरा आ रहा है. डिग्री ऑफ रिस्क सोल प्रोपराइटर के अंदर क्या है? लिमिटेड. बेटा, सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी दोनों ही हमने यहाँ पे कवर कर ली है. ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर के अंदर, ध्यान से देखो. ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर के अंदर? क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच गवर्न द चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ना. क्वेश्चन ऐसे आएगा, यू आर कंपनी सेक्रेटरी, यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट और अ प्रोफेशनल, जैसे भी लिखना चाहें. योर क्लाइंट इज लुकिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, स्टार्ट अ बिजनेस. What are the factors on which type of business to be selected? Type of business to be selected depends upon ठीक है. अब देखो बेटा, मैंने सीएस क्यों लिखा है? क्योंकि मैं सीएस हूं ना. हाँ, देखो, यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, मैंने साफ साफ लिखा मैं एक कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है, योर क्लाइंट मतलब मेरा एक क्लाइंट है, इज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच टाइप ऑफ बिजनेस टू बी सिलेक्टेड डिपेंड्स अपॉन, टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू बी सिलेक्टेड डिपेंड्स अपॉन. इसको बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरा क्लाइंट है, मेरे पास आएगा, तो अब कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है, कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है, ये किन फैक्टर्स पे, किन बातों पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये सब बातें कहा है, कौन से फैक्टर्स हैं, यही सारे फैक्टर्स जो हम लोगों ने आज की क्लास में कवर किए हैं, यही है इसका आंसर. बेटा अब याद रखना, अगर 5 मार्क्स के लिए वो आपसे पूछ रहा है तो मेक श्योर कि आप 6 से 7 पॉइंट से ज्यादा नहीं लिखें. 10 के लिए पूछ रहा है तो 11-12 पॉइंट से ज्यादा मत लिखना. रामायण मत लिखना उसके अंदर, तुम लोग प्रोफेशनल बनने वाले हो, वहां पे बीकॉम का पेपर नहीं है. 6-7 पॉइंट लिखो, बहुत है. अगर एक्सप्लेन कर रहे हो प्रॉपर हर एक चीज को तो 5 पॉइंट लिखोगे तो भी 5 में से 5 मिल जाएंगे. नाउ
Bye, take care of yourself. We'll catch you in next class. But याद रखना तुम लोग पीछे वाला पढ़ते रहो, revise करते रहो. बस, bye bye. जाओ, अच्छा, मैं जाऊँ.